हेलो। हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए दोस्तों, हम थे कॉस्टिंग में सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, और सर्विस सेक्टर में हमारा अगला सेक्टर था हॉस्पिटल सेक्टर, जिसमें हमने देखा था कि इट इज जस्ट लाइक होटल सेक्टर, जिसमें हमने देखा था कि होटल के अंदर भी कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, हॉस्पिटल में भी कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, राइट। होटल के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी ऑफ रूम्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर भी ये पॉसिबल है। और जब अलग अलग कैटेगरी होगी तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज का कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। हॉस्पिटल के केस में रूम डेज की जगह क्या यूज हो जाएगा, पेशेंट बेड डेज यूज हो जाएगा, राइट। क्यों ना दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर कर लें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 हम अभी कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को शायद इस क्वेश्चन में डाउट था। ये जो हमने स्कूल बस वाला क्वेश्चन किया था, है ना, तो फिर कौन सा, फिर तो दोनों ही हमने कर लिए थे, 15 ना। हाँ, वही स्कूल बस वाले ही कहते हैं उसे। तो स्कूल बस वाले क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा था, है ना। तो अभी के लिए उसको पेंडिंग छोड़ते हैं, अभी के लिए अपन आगे का करते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से ये हो गया क्या, 15 करते हो होमवर्क? ओके, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से हो गया है ना, ठीक है। तो आखिरी में डिस्कस कर लेंगे कहां पर है डाउट। चलिए, तो अभी के लिए हम आ रहे हैं यहां पर हॉस्पिटल सेक्टर पर। मन लगाकर दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एबीसी हेल्थ केयर रन्स एन 10 मार्क का क्वेश्चन आया था दोस्तों, देख लो आप, जनवरी 2021 में। एबीसी हेल्थ केयर रन्स एन इंटेंसिव मेडिकल केयर यूनिट। फॉर दिस पर्पज इट हैज हायर्ड बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ ₹50,000 पर मंथ विद द एग्रीमेंट टू बेयर द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस ऑल्सो। यानी कि ये जो कंपनी है, इन लोगों ने एक बिल्डिंग हायर कर रखी है क्या, 50,000 पर मंथ उसका रेंट ये लोग पे कर रहे हैं, और उसी के अलावा एक और चीज ये लोग पे करेंगे क्या, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस। ओके, द यूनिट कंसिस्ट ऑफ 100 बेड्स एंड 5 मोर बेड्स कैन कंफर्टेबली बी अकोमोडेटेड व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। यानी कि दोस्तों, इनका जो हॉस्पिटल है वो कितना बेड्स का हॉस्पिटल है, 100 बेड्स का हॉस्पिटल है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये लोग कितने बेड्स और लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा सीट्स लगा सकते हैं, 5 मोर बेड्स यहां पर लगा सकते हैं व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। दो द यूनिट इज ओपन फॉर पेशेंट्स ऑल द 365 डेज इन अ ईयर। तो वो तो हॉस्पिटल है दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, ऑल 365 डेज। स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर 2020 रिवील्स दैट ओनली फॉर 120 डेज इन द ईयर The unit had the full capacity of 100 patients per day, and for another 80 days, it had on an average only 40 beds occupied per day. Oh, एक मिनट, इनका कहना है कब की बात है, ईयर 2020 की, और उसमें इनका कहना है कि कितने दिनों के लिए, 120 दिन के लिए। The unit had the full capacity of 100 पेशेंट्स पर डे, यानी 120 दिन इनके ऐसे निकले जिसमें पूरे के पूरे 100 पेशेंट थे वहां पर, राइट। और 80 दिन ऐसे थे जब सिर्फ कितने बेड्स ऑक्यूपाइड थे, 40 बेड्स ऑक्यूपाइड थे, बट देयर वेर ओकेजन्स व्हेन द बेड्स वर फुल, एक्स्ट्रा बेड्स वर हायर्ड एट अ चार्ज ऑफ ₹50 पर बेड पर डे। और कुछ ओकेजन्स ऐसे भी थे जब सारे के सारे बेड्स फुल थे और हमें उल्टा बाहर से एक्स्ट्रा बेड्स लाकर लगाने पड़े, जिसके चार्जेस कितने थे, ₹50 पर बेड पर डे। मुझे एक बात बताइए, 50 पर बेड पर डे हमें मिला होगा पेशेंट से, या ये एक्स्ट्रा बेड हायर करने के चार्जेस हैं, हायर करने के चार्जेस हैं, राइट। This did not come to more than 5 beds above the normal capacity on any one day.
और इनका कहना है कि दिस डिड नॉट कम टू मोर देन 5 beds अबाउ द नॉर्मल कैपेसिटी ऑन एनी वन डे. यानी इनका कहना है कि किसी भी दिन 5 beds से ज्यादा हमें एक्स्ट्रा नहीं लगाने पड़े. द टोटल हायर चार्जेस फॉर द एक्स्ट्रा बेड्स इनकर्ड फॉर द होल ईयर अमाउंटेड टू ₹20,000. हमने जो साल भर के लिए टोटल हायर चार्जेस पे किए हैं ना एक्स्ट्रा बेड्स के लिए साल भर के लिए, तो वो हायर चार्जेस कितने रुपीज बैठे हैं? 20,000. यानी कि अभी हम कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों, क्या डिवाइडेड बाय क्या, 20,000 रुपीज जो हमने हायर चार्जेस पे करें एक्स्ट्रा बेड्स के लिए डिवाइडेड बाय 50 रुपीज, कितना आता है? 400. यानी हमने 400 एक्स्ट्रा बेड्स हायर किए हैं, राइट? ओके. द यूनिट एंगेज्ड एक्सपर्ट डॉक्टर्स फ्रॉम आउटसाइड टू अटेंड ऑन द पेशेंट्स एंड द फीस वर पेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंड बाय देम व्हिच ऑन एन एवरेज वर्क्ड आउट टू ₹30,000 पर मंथ इन द ईयर 2020. इनका कहना है कि हमने कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बाहर से बुलाई है, तो आपको मालूम है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स काफी कम होते हैं, तो हमें उन्हें बाहर से बुलवाना पड़ता है. और ये जो बाहर से आ रहे डॉक्टर्स, इनको हम कितने रुपीज दे रहे हैं? 30,000 दे रहे हैं पर मंथ, राइट? द परमानेंट स्टाफ एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ द यूनिट वर एज फॉलोस. ये हमें सारे के सारे एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो इनका एक बार हम पर्टिकुलर्स पढ़ लेते हैं. देर आर सुपर टू सुपरवाइजर्स ईच एट अ पर मंथ सैलरी ऑफ रुपीज 5,000. यानी 5,000 हम पर मंथ पर सुपरवाइजर दे रहे हैं, और ऐसे हमारे यहाँ पर कितने सुपरमैन हैं? 2. फिर इसके बाद देर आर 4 नर्सेस, पर मंथ सैलरी कितनी है? 3,000. और ये पर नर्स है ना, क्योंकि वो ईच वर्ड लिखा ना, 4 नर्सेस ईच एट अ पर मंथ सैलरी ऑफ. देर आर 2 वार्ड बॉयज ईच एट अ पर मंथ सैलरी ऑफ कितना? 1500. अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा 28,000. क्वेश्चन ने कहीं शुरुआत में लिखा था दैट वी आर गोइंग टू बेयर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस. फूड सप्लाइड टू पेशेंट्स 4,40,000. केयर टेकर एंड अदर सर्विसेज फॉर पेशेंट्स, लॉन्ड्री चार्जेस फॉर बेड लिनन, मेडिसिन सप्लाई, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एटसेट्रा अदर देन डायरेक्टली बोर्न फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स. तो कुछ तो पेशेंट के घर वालों ने ही ऑक्सीजन का कॉस्ट बेयर कर लिया होगा. ये वो कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन है जो उन लोगों ने यानी पेशेंट्स ने बेयर नहीं किया, ये हॉस्पिटल ने खुद ने बेयर किया है, ठीक है. जनरल एडमिन चार्जेस अलोकेटेड टू द यूनिट कितना है? 71,000 रिक्वायर्ड. व्हाट इज द प्रॉफिट पर पेशेंट डे made by the unit in the year 2020. If the unit recovered an overall amount of ₹200 per day on an average from each patient. दोस्तों हमें आज क्या पता करना है यहाँ पर? प्रॉफिट पता करना है पर पेशेंट डे. यानी हमें पर पेशेंट पर डे प्रॉफिट पता करना है. सिंपल सी बात, अगर हमें प्रॉफिट पता करना है तो हमें क्या माइनस क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. यानी हमें रेवेन्यू कितना मिल रहा है पर पेशेंट पर डे माइनस हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है पर पेशेंट पर डे. रेवेन्यू कितना लग रहा है वो तो मैं बता दूं आपको. रेवेन्यू कितना मिल रहा है वो तो मैं बता दूं आपको, 200 रुपीज गिवन है ना. इफ द यूनिट रिकवर्ड एन ओवरऑल अमाउंट ऑफ ₹200 पर डे ऑन एन एवरेज, है ना. रेवेन्यू मैंने बता दिया दोस्तों. अब आपको क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट पर पेशेंट पर डे, ठीक है. हम जो कॉस्ट का होराइजन लेंगे वो मंथली लेंगे या एनुअल लेंगे? आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? एनुअल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस इन्होंने हमें ईयरली बेसिस पर ही दे रखे ना. देखो ना, ये जो सारे एक्सपेंसेस ये तो है ही फॉर द ईयर, इज दैट क्लियर? तो दोस्तों जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे तो ये सारी कॉस्ट तो आ ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट? और फिर ये जो सारी कॉस्ट है, है ना, इन सारी कॉस्ट में इसका इफेक्ट दे देंगे नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स, नंबर ऑफ नर्सेस, और ये सारा जो डेटा है वो कैसा है पर मंथ, तो हम इसमें इंटू 12 का इफेक्ट देकर इसको एनुअल कॉस्ट बना लेंगे, राइट? और कोई सी कॉस्ट है ऊपर? ये वाली कॉस्ट. हाँ, दो कॉस्ट है यहां पर, राइट? अरे दो तीन कॉस्ट है और ऊपर. अरे बाबरे, अपन शुरू से चलते हैं यहां पर. एक तो है बिल्डिंग का रेंट विच इज 50,000 पर मंथ, तो हमें इसे मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, है ना. जहां तक इन्होंने ये बोल रखा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का, ये हम ऑलरेडी वहां पर ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस यहां पर ऑलरेडी दे रखा है, तो वो तो टेक इन टू अकाउंट हो ही जाएगा, ठीक है. फिर इसके अलावा और कौन सा खर्चा बता रहे हो?
20,000 ये जो हायर चार्जेस हमने पे करे फॉर द एक्स्ट्रा बेड्स, इट इज ऑल्सो अवर कॉस्ट दैट नीड्स टू बी बिल्ट इन अवर ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ये भी लेंगे. और एक और ये जो हम डॉक्टर साहब को दे रहे हैं ना 30,000 दे रहे हैं पर मंथ एंड मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, इसे भी हम टेक इनटू अकाउंट करेंगे, राइट? क्या आपको लगता है दोस्तों कि हम किसी तरीके से स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द ईयर बना पाएंगे, राइट? और स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द ईयर में हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर देंगे वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल में. इज दैट क्लियर? ओके, ऐसा करके हमारे पास क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी कॉस्ट आ जाएगी. हमें सिर्फ देरी होगी तो किसको डिवाइडेड बाय क्या करना है, हमें पेशेंट बेड डेज से हमें इसे डिवाइड करना है, राइट? और पेशेंट बेड डेज के लिए मुझे यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन नजर आ रही है. ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है इट इज गोइंग टू हेल्प अस, राइट? ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है ये हमें पेशेंट बेड डेज निकालने में मदद करेगा, है ना? यानी लगता है कि थोड़े बहुत हम इधर हाथ पैर मारेंगे तो कुछ हो जाएगा हमसे क्वेश्चन, है ना? ओके, तो कैसे करेंगे इसको, स्टेटमेंट बना लेंगे, है ना? और उसमें सारी की सारी कॉस्ट लिख लेंगे, ठीक है, है ना? और पहले कॉस्ट लिख लें सारी की सारी, है ना? और फिर रेवेन्यूज लिख लो, और फिर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, है ना? ओके, अपन ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर कि हम रेवेन्यू पर डे ले लें और कॉस्ट पर डे ले लें और सीधे दोनों का डिफरेंस निकाल लें. ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी कर लें कि भाई हम तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू लिख लेंगे कितना, फिर हम लिख लेंगे टोटल कॉस्ट कितनी, फिर हम निकाल लेंगे टोटल प्रॉफिट कितना, और वो जो टोटल प्रॉफिट है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट बेड डेज से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा प्रॉफिट पर पेशेंट पर डे, है ना? दोनों में से कोई सा भी तरीका चलेगा, लेकिन जो अभी अभी जस्ट मैंने तरीका बताया वो ज्यादा अच्छा कि पहले सारी चीजें टोटल में सॉल्व कर लो और बाद में उसको फिर अपन पर बेड पर डे कर लो, है ना? ये तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट पॉइंट अपन कोशिश करेंगे हो जाएगा. एक बार सेकेंड पॉइंट और पढ़ लेते हैं, है ना? द यूनिट वॉन्ट्स टू वर्क ऑन अ बजट फॉर द ईयर 2021. तो दोस्तों यहाँ पर ये जो यूनिट है ये किसी बजट पर काम कर रही है ना, कौन सी ईयर के लिए, 2021. वैसे जो अभी वाला साल है वो कौन सा है, ईयर 2020, है ना? ये तो 2020 के लिए हो रहा होगा फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेशन, यानी 2020 वाला वो वर्ष है जो बीत चुका है और 2021 आने वाला है, राइट? सो यूनिट वॉन्ट्स टू वर्क ऑन अ बजट फॉर द ईयर 2021, बट द नंबर ऑफ पेशेंट्स रिक्वायरिंग मेडिकल केयर इज अ वेरी अनसर्टेन फैक्टर. सही बात है ना, कितने पेशेंट्स अब नेक्स्ट ईयर हॉस्पिटल में आएंगे दैट्स एन अनसर्टेन वेरिएबल के कितने लोग आएंगे, राइट? Assuming that same revenue and expenses prevail in the year 2021 in the first instance. यानी पहली मर्तबा तो यही मान लो कि हमारा वही रेवेन्यू रहेगा, वही एक्सपेंसेस रहेगा, कौन सी ईयर में, ईयर 2021 में, राइट? वर्क आउट द नंबर ऑफ पेशेंट डेज रिक्वायर्ड बाय द यूनिट टू ब्रेक इवन. यानी हमें यहां पर क्या निकालना है, आखिर कितने पेशेंट डेज लगेंगे ताकि हम क्या कर जाएं, ब्रेक इवन कर जाएं. समझते हो ब्रेक इवन का मीनिंग, कभी हमने, है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट? तो हमें यहां पर निकालना है कम से कम कितने पेशेंट डेज आ जाएं कि हम ब्रेक इवन कर जाएंगे. तो दोस्तों सेकंड पॉइंट तो अपने आप में एक थोड़ा सा सेपरेट मुद्दा हो गया, है ना? पहले अपन फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो आप जैसा बोले दोस्तों वैसा डिस्कस करेंगे. पहले एक बार डिस्कस करते, पहले पूरा ना कैलकुलेटर पे कंफर्टेबल हो जाते, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, है ना? तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट डेज कैलकुलेट कर लें, और नंबर ऑफ पेशेंट डेज तो दोस्तों साल भर में कितने दिन, 120 दिन ना, ओके मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ. हाँ जी, तो 120 दिन यहाँ पर ऐसे थे जब 100 पेशेंट, वेरी गुड यार, 120 डेज इनटू 100 पेशेंट्स, ठीक है, ये हो गए हैं 12,000 पेशेंट डेज. ओके, फिर इसके अलावा कितने डेज हैं, 80 डेज. 80 डेज ऐसे थे जब कितने पेशेंट्स थे, 40 बेड्स वर ऑक्यूपाइड, तो 80 × 40, ये भी गया मेमोरी प्लस में. मेमोरी सब यूज कर लेते हो, मेमोरी फंक्शन, है ना? ओके, ये दोनों डेटा गया मेमोरी में, है ना? अब इसके अलावा
इनका कहना है कि देर वर ओकेजन्स व्हेन द बेड्स वर फुल, यानी कुछ ऐसे भी दिन थे जब बेड्स कैसे थे बिल्कुल फुल और हमें एक्स्ट्रा बेड्स मंगवाने पड़े। कितना हायर चार्जेस था? 50 पर बेड पर डे था, और ये जो टोटल हायर चार्जेस है कितना बना? 20,000 रुपीज बना। तो हमने क्या कर लिया था, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 20,000 को हमने डिवाइडेड बाय 50 कर लिया था, कितना आया था? 400, राइट? ये 400 बेड्स हैं या ये अपने आप में ही 400 बेड डेज ही हैं? ये अपने आप में ही बेड डेज हैं, राइट? क्योंकि 400 बेड तो लगाने की जगह भी नहीं हॉस्पिटल में। अपना तो हॉस्पिटल ही 100 बेड का है। ज्यादा से ज्यादा ऑन एनी पर्टिकुलर डे कितने बेड्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो? 5 बेड्स। तो ऐसे करके किसी दिन 5 बेड ऐड हुए होंगे, किसी दिन 4, किसी दिन 3, किसी दिन फिर से 5, एंड सो ऑन, राइट? तो ये जो 400 निकला ये अपने आप में ही क्या है? बेड डेज है, राइट? तो इस 400 को भी हम मेमोरी में प्लस कर लेंगे। दोस्तों कितने बेड डेज आ रहे हैं? 15,600, 15,600 आ गए हैं हमारे बेड डेज, राइट? हम हर पेशेंट से कितने रुपीज रिकवर करते हैं? कहीं पर लिखा हुआ होगा 200 रुपीज हम पर डे रिकवर करते हैं पर पेशेंट। तो जिस दिन हमने 15,600 बेड डेज को मल्टीप्लाई कर लिया किससे? 200 से, ये क्या आ जाएगा? हमारा रेवेन्यू। दोस्तों कितना आता है रेवेन्यू? ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेवेन्यू क्या लिखा हुआ है? 31,20,000। ये देखिए 31,20,000 आगे हमारा रेवेन्यू, ओके। और ये आ गए हमारे नंबर ऑफ पेशेंट डेज, जिसमें हमने 100 बेड्स 120 डेज, 40 बेड्स 80 डेज, और एक्स्ट्रा बेड्स हमने ले लिए 400। एग्जैक्टली यहां तक के सॉल्यूशंस हम कंफर्टेबल हैं, ओके। अब बात हमें किसकी करनी है? रिलेटेड टू कॉस्ट, राइट? कॉस्ट तो मैं कहता हूं कि ये जो यहां से यहां तक लिखा है ना, इसमें तो कुछ देखने की जरूरत नहीं, तो सीधे बस छापनी रहेगी हमें, राइट? क्लासिफाई करके, राइट? जो मेन कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा वो एक तो यहां होगा, तो ये कैलकुलेशन मुझे कोई बहुत बड़ी बात लग नहीं रही है, ये तो हम इजीली कर लेंगे कैलकुलेशन, है ना? और दूसरी चीज, ये जो 30,000 है ये भी इजीली हो जाएगा कैलकुलेशन, है ना? फिर इसी के साथ साथ ये 50,000 पर मंथ ये भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, और ये जो 20,000 है ये भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी वक्त आने पर क्या हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल जाएगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट विल गिव अस प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा हम इसको डिवाइड कर देंगे पेशेंट डेज से। कितने थे पेशेंट डेज? 15,600, राइट? हमें वो मिल जाएगा दोस्तों जो हमें चाहिए, प्रॉफिट पर पेशेंट डे। इज दैट क्लियर? ओके, इतना आगे ना समझ में? हाँ, एग्जाम में ऐसा ही करना है, ठीक है? ओके, अब मैं थोड़ा सा यहां पर एक अलग डिस्कशन कर रहा हूं, उसका हमें कुछ करना नहीं है एग्जाम में। दोस्तों मेरी ओपिनियन में आईसीआई ने जो ये क्वेश्चन सॉल्व करा ना, उसमें छोटी सी मुझे लगता है कि मिस्टेक रह गई है। वो क्या मिस्टेक रहेगी वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, बट उसे करेक्ट करने लगना नहीं है, ठीक है? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर? 365 डेज, राइट? अब इन 365 डेज में से इन्होंने 120 डेज की तो कहानी दे दी है, फिर उसके बाद इन्होंने 80 डेज की कहानी दे दी है, तो ये तो टोटल सिर्फ कितने डेज हुआ? 200 डेज हुआ। बचे हुए 165 डेज आखिर क्या? उसका इन्होंने हमें कुछ भी जिक्र नहीं किया है, ठीक है? अच्छा, उन्होंने वो जरूर बोल दिया है कि हमने वो बेड्स लगाए थे, वो कितने? 400 बेड डेज। इज दैट क्लियर? तो वो 400 बेड डेज में किसी भी एक पर्टिकुलर डे पर ज्यादा से ज्यादा कितने बेड लग सकते हैं? 5। मान लो कि वो हर दिन मैक्सिमम 5-5-5 ही टच करा, तो 400 को आप डिवाइड बाय 5 करते हैं तो कितना आता है? 80। यानी 80 दिन ऐसे थे जब पूरी बेड कैपेसिटी ऑक्यूपाइड थी, और ऊपर से ऑन द टॉप ऑफ दैट हमें बेड्स लगाने पड़े, और वो शायद वो जो 80 डेज होंगे वो हो सकता है इन 120 में से हों, क्योंकि 120 इन्होंने बोला है यूनिट हैड द फुल कैपेसिटी ऑफ 100 पेशेंट्स पर डे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के अंदर एक फ्लॉ क्या है वो आप समझ गए हो, ये है कि 165 डेज का आखिर क्या? तो क्वेश्चन हम जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम मन ही मन एक अजम्पशन ले रहे हैं, पता है क्या? एक भी पेशेंट नहीं हॉस्पिटल, कभी देखा आपने ऐसा हॉस्पिटल जिसमें एक भी पेशेंट नहीं हो? मतलब कुछ दिन तो बिल्कुल 100 पेशेंट्स, और कुछ दिन ऐसे और कुछ नहीं ऐसे, तो बहुत सारे दिन है कि एक भी पेशेंट नहीं है, राइट? इंसान दोस्तों कुछ भी करना छोड़ सकता है, पर क्या बीमार पड़ना छोड़ सकता है? उसको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा ना, राइट? तो यहां पर 165 डेज का ना आईसीआई ने कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। यहां पर कायदे से उस 165 डेज का भी कुछ करना चाहिए था, राइट?
बट द पॉइंट इज कि फिर करें क्या? चलो हमने सोचा कि यार 165 डेज का कुछ करें तो, पर करें क्या? उसको इंटू 100 कर दो, बट उसमें फिर मन में एक डाउट आता है। वो डाउट ही आता है कि फिर वो यहां पर तो ऑलरेडी उन्होंने बोल ही दिया ना कि 120 डेज वो थे जब यूनिट में फुल कैपेसिटी थी, तो बस यही वो फुल कैपेसिटी वाले थे, बाकी रिमेनिंग डेज लेस देन फुल कैपेसिटी था। अब लेस देन फुल कैपेसिटी में उन्होंने 40 बेड्स वाला हमें दे ही दिया, तो अब हम कितना माने, है ना? तो क्वेश्चन के अंदर एक कुछ थोड़ा सा इनकम्प्लीटनेस का सेंस लगता है ना? बट द पॉइंट इज कि अभी हम उसको कुछ कर भी नहीं सकते, है ना? तो इस क्वेश्चन के अंदर ये फ्लॉ है कि 165 डेज को कुछ भी नहीं करा उन्होंने और हमें भी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम करना भी चाहें तो फिर करें क्या? एक ही अजम्पशन है, हम क्या कर सकते हैं उसकी, उसको 100 पर अज्यूम कर लो, क्योंकि लेस देन 100 पे आप 90, 80, 70 ऐसे अजम्पशन एग्जाम में नहीं ले सकते, राइट? तो 100 तो उन्होंने ही ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट? तो हम ये बोलेंगे कि आपने 165 डेज के बारे में क्योंकि कुछ नहीं बोला है, तो अब वो कुछ भी नहीं है, मतलब द बेड्स वर एम्प्टी, राइट? वैसा मानना पड़ेगा, थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, बट क्या करें, क्वेश्चन के अंदर कुछ कहना चाह रहे। सर वो 105 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, 120 डेज तो 100 से था, ठीक है, 80 डेज 40 पर हो गया, और 165 डेज को 105 से कर देंगे तो आपको नहीं लगता थोड़ा सा गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर 165 इंटू 5 करोगे ना तो वो ज्यादा आ जाएगा 825, जबकि आपने हायर चार्जेस तो 400 के ही पे करे, तो वैसा तो नहीं करेंगे। हाँ बताइए। ये जो 400 है, हाँ हाँ, उसको हमने 5 से डिवाइड करा तो 80 डेज आ गया। हाँ नहीं, तो 80 डेज को 105 से कर दें तो भी वो टैली कहां हो रहा है ना, तो भी टैली कहां हो रहा है ना, रिमेनिंग 165 तो टैली नहीं हो रहे, है ना? और एक और चीज है, एक्चुअली इस तरीके से करना थोड़ा सा गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप ये अज्यूम कर रहे हो कि हर दिन वो जो 80 दिन थे ना, हर दिन आपने पूरे पूरे पांच 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 मंगवाए, जबकि क्वेश्चन ने ऐसा कहीं बोला है कि किसी भी दिन हमने 5 के ऊपर नहीं गए हैं, बट कुछ कुछ दिन ऐसे होंगे ना जिसमें आप 4 ही गए होंगे, 3 ही गए होंगे, 2 ही गए होंगे, तो वो अगेन थोड़ा सा क्वेश्चन गलती की तरफ जाने लगेगा, ठीक है? और भी कुछ कह रहे थे यहां से, हाँ तुम कुछ कह रहे थे, अगर हम 365 को किससे मल्टीप्लाई करें, अच्छा 365 में से 120 डेज हम अलग कर लें, ये तो 100% ऑक्यूपेंसी आ गई, 100 बेड्स आ गए, फिर 80 डेज में हम 40 बेड्स ले लो, ठीक है, बाकी 165 डेज में, उस दिन 100 भी थे और प्लस जो प्लस ज्यादा थे, और वो ज्यादा कितने मान लो 400, है ना? यस, मेरी ओपिनियन में ये एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है, बिल्कुल सही, ये बंदा तो बिल्कुल मेरे जैसा सोचता है यार। देखो 365 डेज हैं, 120 डेज में 100 है, 120 डेज में 100 बोल दो, 80 डेज में 40 है, 40 बोल दो, बचे हुए 165 डेज वो डेज थे जब हमने कभी ना कभी एक्स्ट्रा बेड्स हायर किए हैं। अब क्योंकि इन 165 डेज में हमें एक्स्ट्रा बेड्स हायर करने की जरूरत पड़ी, मतलब एटलीस्ट 100 तो टच हो ही गया था, तो यहां पर इंटू 100 तो कर ही दो और प्लस 400 एक्स्ट्रा बेड्स ले लो। मेरी ओपिनियन में ये एक करेक्ट सोल्यूशन है, लेकिन आईसीएआई की कॉपी कौन चेक करेगा, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ, इसलिए ऐसा सोल्यूशन करना मतलब थोड़ा सा चांस लेने जैसा हो जाता है। सो वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस सोल्यूशन, इन माई ओपिनियन दिस इज वन ऑफ द करेक्ट सोल्यूशन, राइट? कुछ कहना चाह रहे दोस्ता? वो 400 इसमें भी तो हो सकते हैं जो 120 देने, तो ये अजम्पशन है, बेसिकली अजम्पशन है। अगर ऐसा अजम्पशन लेते हैं कि वो 400 इन 120 दिन में हो सकते हैं, तो फिर ये वाला एप्लीकेबल नहीं है। बट ऐसा भी तो मान सकते हैं कि वो 400 इन 120 में नहीं है, इनफैक्ट ये 120 डेज हुए जब एग्जैक्ट 100 की कैपेसिटी यूज हुई है, तो फिर ये वाला सोल्यूशन ठीक है। ठीक है, हाँ जी, 20,000 डिवाइडेड बाय 50, 400 डिवाइडेड बाय 165,
हाँ हाँ फिर आगे। हाँ 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 तो उन 165 में 100 तो लगे ही लगे ना, तो वो तो बात तो वही आ रही ना, घुमा फिरा कर 165 इंटू 100 कर लो और सीधे ही 400 जोड़ लो, बजाय कि 400 को डिवाइड बाय 165 करो, है ना। पर मैं क्या कह रहा हूं कि हम इसको डिस्कस ही अब क्यों कर रहे हैं, मतलब इट इज वन ऑफ द करेक्ट सोल्यूशन बट वी हैव टू गो बाय व्हाट आईसीआई डज, राइट। क्योंकि मार्क्स 10 नंबर का सवाल उन्होंने पूछा है, तो सवाल उनका है तो जवाब भी उनका रहेगा। उन्होंने एकदम, क्या उनका गलत है सोल्यूशन या उनका भी वन ऑफ द करेक्ट सोल्यूशन है? उनका भी वन ऑफ द करेक्ट है। तो सिंपल सा थंब रूल होता है, जब उनका भी करेक्ट हमारा भी करेक्ट उन्हीं का करेक्ट, ठीक है, ये थंब रूल है, ठीक है। हाँ अगर वो गलत हो तो फिर हमें सही करने का पूरा पूरा हक है, लेकिन अगर वो गलत नहीं है सोल्यूशन में कहीं पर, यू कैन नॉट यू नो टेल देम कि आपका तो गलत है सोल्यूशन। दिल सिंपली से हमने 165 की इंफॉर्मेशन नहीं दी, मतलब वहां पर कोई बेड कैपेसिटी नहीं है, दैट्स इट। सर फिर वो एक्स्ट्रा बेड्स कहां लगे? वो इन 120 डेज में लगे, गलत तो है ही नहीं, ठीक है। हम ऐसा वाले ही करेंगे जैसा आईसीआई ने किया है। क्या है, क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। तो दोस्तों लगता है आपको अब अपन कर सकते हैं, क्यों ना अपन एक काम कर लें, यहां पर हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर लें, ठीक है। चलिए तो आप मुझे बताते जाओ ना, जैसे जो रेंट की कॉस्ट है वो कहाँ क्लासिफाई हो जाएगी, राइट? वो हो जाएगी फिक्स में, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो हायर चार्जेस है, अरे हायर चार्जेस वेरिएबल, प्योर वेरिएबल, क्योंकि पेशेंट आए तो हायर चार्जेस लगेंगे, नहीं तो किस बात के हायर चार्जेस, ठीक है। अरे नहीं, पर एक मिनट, 50 रुपीज पर बेड पर डे तो फिक्स है ना? नहीं, और पर है ना, कितनी भी बार समझा दिया, राइट? तो पर यूनिट तो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स ही होती है, इज दैट क्लियर? है ना, बट दैट डज नॉट मीन कि वो फिक्स कॉस्ट होगी। जैसे आपके जो नोट्स की कॉस्ट है, राइट, सपोज करो जो बुकलेट की कॉस्ट है, ये पर यूनिट तो मुझे फिक्स ही लग रही है, बट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ज्यादा स्टूडेंट्स तो फिर ज्यादा कॉस्ट, सो दैट इज वेरिएबल, राइट। दोस्तों फिर इसके बाद ये 30,000 थोड़ा सा बताएं, इसको फिक्स में लेंगे या फिर वेरिएबल में लेंगे? फिक्स में ले लें, ठीक है। वेरिएबल होना चाहिए, क्यों? क्या सही बात बोली बंदे ने, देख लो आप, ये क्या लिखा है, द यूनिट एंगेज एक्सपर्ट डॉक्टर्स फ्रॉम आउटसाइड टू अटेंड ऑन द पेशेंट्स एंड द फीस वर पेड ऑन द बेसिस ऑफ, डॉक्टर्स को जो हमने बाहर से मंगवाए उनको फीस कैसे पे करी है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड टाइम स्पेंट बाय देम विच ऑन एन एवरेज वर्कड आउट टू। तो 30,000 हम फिक्स नहीं दे रहे डॉक्टर्स को, जो दिया है वो ऑन एन एवरेज इतना बैठा है, पर दिया फिक्स है या दिया वेरिएबल है? दिया वेरिएबल है, इज दैट क्लियर? तो यहां पर जो डॉक्टर्स की फीस होगी वो कहां क्लासिफाई हो जाएगी? वेरिएबल में, राइट। कोई कोई डाउट पूछना चाह रहा था, क्लियर है? चलिए फिर इसके बाद ये बताइए ना, सुपरवाइजर, नर्सेस, वार्ड बॉयज, इन सबको कहां पर ले लेंगे? फिक्स। फिर इसके बाद अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर में एक आ गया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मेंटेनेंस वाले हेड में चल जाएगा, यानी कहां चल जाएगा? सेमी वेरिएबल में, ठीक है। फिर इसके बाद फूड सप्लाइड टू पेशेंट्स, वेरिएबल, क्योंकि ज्यादा पेशेंट ज्यादा फूड सप्लाइड का खर्चा। केयर टेकर एंड अदर सर्विसेज फॉर पेशेंट्स, इसको कहां ले, वेरिएबल या फिर फिक्स? वेरिएबल में लेना चाहिए, क्योंकि वो केयर टेकर एंड अदर सर्विसेज है फॉर पेशेंट्स है। फिर लॉन्ड्री चार्जेस फॉर बेड लिनेंस, वेरिएबल में ही लेना चाहिए। मेडिसिन, वेरिएबल में लेना चाहिए। कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एटसेट्रा अदर देन डायरेक्टली बोन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, तो इसको कहां लेना चाहिए? आइडियली वेरिएबल में लेना चाहिए। फिर इसके बाद जनरल एडमिन चार्जेस, ये कहां पर आ जाएंगे? फिक्स में आ जाएंगे, इज दैट क्लियर? ठीक है, ये होना चाहिए दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, है ना। इस क्लासिफिकेशन में किसी को भी किसी भी तरह का डाउट आ रहा है क्या? कौन सा? लॉन्ड्री चार्जेस फॉर बेड लिनन, क्या रहता है? देखो पेशेंट्स रहते हैं, है ना, तो उनका डेली वो बेडशीट चेंज करते हैं, तो अब ये जो बेडशीट उन्होंने चेंज करी, ये ले जाकर वापस से इसको ड्राई क्लीनिंग या व्हाटएवर
करना पड़ता है, वॉशिंग के लिए ले जाना पड़ता है. सो दिस आर लॉन्ड्री चार्जेस फॉर बेड लिनन. अब तुम ही बता दो ये वेरिएबल या फिक्स है. जैसे अगर कोई बेड खाली है और उस पर कोई पेशेंट ही नहीं है, एक दिन खाली पड़ा रहा बेड, तो क्या फिर वो बेडशीट चेंज करेंगे? नहीं. वो बेडशीट कब चेंज करेंगे? जब पेशेंट्स उसको यूज कर लेंगे. अदरवाइज वो बिछा हुआ, मान लो 5 दिन भी बिछा है बट नोबडी हैज यूज दैट, तो फिर तो वो खराब ही नहीं हुआ ना, राइट? तो इट इज अ वेरिएबल नेचर एक्सपेंस. इज दैट क्लियर? ठीक है, कुछ कहना चाह रहे? 30,000 वाला बाइफर्केशन समझ में नहीं है, तुम समझाओ क्या है तुम्हारे हिसाब से? फिक्स होना चाहिए. वेरी गुड, बताओ क्यों होना चाहिए फिक्स? कुछ भी, कैसे 100 पेशेंट अपने पास है? क्यों, 40 भी तो है कभी कभी. अपन तो मंथली बेसिस पर 30,000 दे रहे हैं ना. कहां लिखा है ऐसा कि मंथली बेसिस पर 30,000 दे रहे हैं? अच्छा 30,000, हाँ ये पर मंथ ही तो लिखा है, पर उन्होंने लैंग्वेज क्या लिखी वो आपने पूरी पढ़ी क्या? क्या लैंग्वेज लिखी है? विच मतलब ये वाला खर्चा ऑन एन एवरेज वर्कड आउट टू मतलब इतना खर्चा ऐसा बैठा है. जैसे क्या हुआ कि हमने डॉक्टर को बुलाया, कभी उसने ज्यादा पेशेंट अटेंड करे तो हमने 45,000 दे दिए, कभी कम पेशेंट अटेंड करे तो हमने 10,000 दिए. तो ऐसे कभी कितना दिया, ऑन एन एवरेज इट वर्क्स आउट टू कितना, 30,000 पर मंथ. बट जो रियली हमने पेमेंट किया है वो कैसा किया है? फिक्स करा है 30,000 पर मंथ, या वेरिएबल किया है बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंड बाय देम, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड. तो अगर आप कंप्लीट लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वेरिएबल में जाएगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो. तो क्यों ना अपन दोस्तों इस क्वेश्चन को करने लगे, है ना? अब ICAI ने यहां पर क्या किया हुआ है, उन्होंने एक छोटा सा मेरी ओपिनियन में तो मिस क्लासिफिकेशन किया है, और वो है कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एटसेट्रा अदर देन डायरेक्टली बोन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स. ओके, यहां पर उन्होंने 75,000 को वेरिएबल में क्लासिफाई करने की बजाय कहां क्लासिफाई किया? फिक्स में क्लासिफाई किया. ऐसे वो एकदम क्लियर कट रॉन्ग नहीं है. अब नॉर्मली तो कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसा होता है? वेरिएबल होता है, क्योंकि पेशेंट्स रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन का खर्चा बेयर करना है. लेकिन पता है उन्होंने वर्ड क्या यूज कर दिया, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन अदर देन डायरेक्टली बोर्न फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स. यानी ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स के लिए जो कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो तो वेरिएबल होती है. फिर से यार, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए जो ऑक्सीजन लगती है वो तो क्या है, वेरिएबल है. बट ये वो कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन है जो अदर देन डायरेक्टली बोन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स है. यानी ये काइंड ऑफ फिक्स जैसा कुछ है. तो ICAI ने इसको फिक्स में क्लासिफाई किया. मेरी पर्सनल ओपिनियन में वेरिएबल में भी जा सकता था, क्योंकि सेंटेंस के दो इंटरप्रिटेशन निकलते हैं. दोनों इंटरप्रिटेशन में आपको बता देता हूं, हम क्लासिफिकेशन ICAI के जैसा करेंगे. ठीक है, क्योंकि दो इंटरप्रिटेशन है और दोनों करेक्ट है. पहला इंटरप्रिटेशन दोस्तों, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है ना, ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन का सिलेंडर आता, बॉटल नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है, राइट? अब क्या रहता है, कुछ पेशेंट्स खुद ही सिलेंडर अरेंज कर लेते हैं. आपने देखा होगा ये काफी सारी वो समाज सेवी संस्थाएं रहती है जो ऑक्सीजन के सिलेंडर ना प्रोवाइड करती है. इज दैट क्लियर? तो अगर पेशेंट खुद कह रहा है कि आप प्लीज हॉस्पिटल के बिल में मत ऐड करना, हमारे जो समाज की संस्था है वो 2 ऑक्सीजन सिलेंडर हमें फ्री में अवेलेबल करवा देती, तो हम वहीं से ये सिलेंडर लाकर दे देंगे, राइट? क्योंकि आप हॉस्पिटल वाले अगर सिलेंडर लगाओगे तो आप तो अनाप शनाप पैसा लूटोगे, तो उसकी वजह है इधर तो हमारा समाज वाले हमें फ्री में दे रहे हैं. तो हमने बोला ठीक है भाई, जिन जिन के फ्री में दे रहे वो सब ले आओ, जिन जिन के नहीं दे रहे उनके लिए फिर ऑक्सीजन सिलेंडर हम लगाएंगे, है ना? इस केस में ऑक्सीजन फिक्स है, ऑक्सीजन वेरिएबल है. वेरिएबल है बिकॉज अगेन द एक्सपेंस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट्स बीइंग ट्रीटेड. इज दैट क्लियर? हाँ, ओके. कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एटसेट्रा अदर देन डायरेक्टली बोन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स. यहां पर डायरेक्टली बोन को मैं कैसा इंटरप्रेट कर रहा हूं, डायरेक्टली बोन बाय द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट्स. ठीक है, इस केस में इसका क्लासिफिकेशन क्या लग रहा है, वेरिएबल. ठीक है, ओके. इसी सेंटेंस को पढ़ने का एक और तरीका है. एक और तरीका यह है कि वो ऑक्सीजन जो कि पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज हुई है वो तो हमेशा ही जो पेशेंट्स के घर वाले ना वही बेयर करते हैं, और वो तो परफेक्ट वेरिएबल कॉस्ट है. बट अब ये वो वाला दूसरा कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि पेशेंट के ट्रीटमेंट में नहीं लगा है, कहीं और लगा है. तो अब ये फिर कहां क्लासिफाई हो जाएगा,
फिक्स में, क्योंकि फिर ये पेशेंट के होने या नहीं होने से वैरी नहीं कर रहा है, ठीक है। आईसीआई ने दूसरा वाला इंटरप्रिटेशन निकालते हुए इसको कहां क्लासिफाई कर दिया, फिक्स में, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी जुगाड़ है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वेरिएबल में भी जा सकता है, फिक्स में भी जा सकता है। आईसीआई ने इसको फिक्स में क्लासिफाई करा है, तो इट इज बेटर कि हम भी इसे फिक्स में क्लासिफाई कर दें, ठीक है, ओके। और दो ड्यूअल इंटरप्रिटेशन निकल रहे, क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगस है, मतलब उतना क्लियर नहीं है, ठीक है, ओके। एक और चीज, अब हम सेमी वेरिएबल नाम का कोई भी हेडिंग नहीं रख पाएंगे। अफसोस की बात है कि हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सेमी वेरिएबल नाम का कोई भी हेडिंग नहीं रख पाएंगे। क्या कोई भी बता सकता है कि हम सेमी वेरिएबल वाला हेडिंग रख क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि जैसे हमने सेमी वेरिएबल रखा हम फंस जाएंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को पेशेंट से मतलब नहीं, बट कहीं ना कहीं वो पेशेंट्स के ज्यादा होने से रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा होगा, कम होने से कम होगा, मतलब कहीं ना कहीं तो पेशेंट के आने जाने से कनेक्टेड तो है। एक्चुअली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम सेकेंड पॉइंट में फंस जाएंगे अगर हमने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को सेमी वेरिएबल ले लिया तो। तो यहां पर दोस्तों हमें सेकेंड पॉइंट में क्या कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। आप जरा अपने वो बेसिक्स वाले पेजेस पलटिए और बेसिक्स वाले पेजेस में आप देखिए कि ब्रेक इवन का आखिर फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर ईयर। हाँ जी, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। इसमें कहां है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कहीं नहीं इसमें, क्योंकि ब्रेक इवन निकालने के लिए या तो आपको कॉस्ट वेरिएबल चाहिए या फिर आपको कॉस्ट फिक्स चाहिए। ब्रेक इवन में सेमी वेरिएबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसकी कोई जगह नहीं होती, ठीक है, ओके, है ना। क्योंकि ब्रेक इवन में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है मैंने आपको बेसिक्स में क्या एग्जांपल दिया था, राइट। बेसिक्स में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमारे फ्रेंड ने एक आइसक्रीम की शॉप ओपन करी है और उसने वो कुछ उसका शॉप का रेंट का फिक्स खर्चा था, वो आइसक्रीम 30 रुपए में खरीदता था और 50 रुपए में बेचता था, तो हमें देखना था आखिर वो कितनी आइसक्रीम्स बेच दे ताकि उसे भले ही प्रॉफिट ना हो पर उसे लॉस भी ना हो। हेलो, हाँ जी। तो दोस्तों अब हमें यहां पर क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इसलिए हमें कॉस्ट को क्लासिफाई करना पड़ेगा दो पार्ट्स में। कौन से दो पार्ट्स में कॉस्ट को क्लासिफाई करना पड़ेगा, या तो फिक्स या फिर वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल का कोई हेडिंग नहीं हो सकता, राइट। तो अब जैसा आप बोले यहां पर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को, फिर आप बोले तो मैं फिक्स में ले चलूं और आप बोले तो फिर मैं वेरिएबल में ले चलूं, जैसा मतलब आप बोले। कुछ कह रहे हैं वेरिएबल और कुछ कह रहे हैं फिक्स। अब आप देखो ना जरा, अगर हम हॉस्पिटल की नजरों से देखें और हमें हॉस्पिटल का अल्टीमेटली ब्रेक इवन जैसा बताना है, फिक्स में ले जाना फिर ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि पेशेंट कम आए ज्यादा है, कुछ ना कुछ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का काम बिल्डिंग रिलेटेड है, तो हम उसको कहां ले जाएंगे, फिक्स में ले जाएंगे। क्या आपको पता चला कि इस क्वेश्चन में क्यों हम स्पेसिफिकली ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम सेमी वेरिएबल का कोई हेड नहीं रख सकते, इसलिए हमने रिपेयर्स को कहां लेकर गए हैं, या तो वेरिएबल या फिर फिक्स, ठीक है। तो हॉस्पिटल के एंगल से देखा जाए तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ब्रॉडली लगेगा ही लगेगा, है ना। यहां पर अगेन एक और ड्यूअल व्यू आती है, वो ये आती है कि सर वो आपने कभी बोला था कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लिखा है, तो यहां पर रिपेयर्स क्या है, रिपेयर्स जनरली कैसा होता है, वेरिएबल। मेंटेनेंस जनरली कैसा होता है, फिक्स। और अगर जैसे मेंटेनेंस एंड रिपेयर लिखा होता तो चलो ठीक है, फिर तो वो फिक्स ही होता, लेकिन यहां तो क्या लिखा है, वर्ड रिपेयर्स एंड
मेंटेनेंस तो फिर इसे तो वेरिएबल में क्लासिफाई करना चाहिए, तो किया जा सकता है, मेरी ओपिनियन में ये गलत सोच नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको किसी हॉस्पिटल में बोला जाए कि इस हॉस्पिटल के लिए ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करें, तो आप क्या मानेंगे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इन द हॉस्पिटल वेरिएबल या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इन द हॉस्पिटल फिक्स? फिक्स, राइट। तो आईसीए ने उस वाली सोच से इसे फिक्स में क्लासिफाई किया है, ठीक है। कितना सही डाउट पूछ लिया बंदे ने, है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस डाउट पूछ लिया है। डाउट ये है कि सर रियल लाइफ में तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती ही होगी, रियल लाइफ में तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती ही होगी ना। जैसे हम ट्रक्स की अगर बात करें, तो ट्रक्स वाले में तो हम मेंटेनेंस वाला एक हेडिंग बनाते ही थे, और उसमें तो सेमी वेरिएबल टायर्स और वो स्पेयर्स और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डालते थे, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट तो रियल लाइफ में होती ही होती है। तो फिर क्या उन केसेस में हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, कर सकते हैं। अब आप क्या समझना चाह रहे हो, कैसे कर सकते हैं, उसका जवाब देखना क्या है। आपको उस सेमी वेरिएबल कॉस्ट के टुकड़े करने पड़ेंगे बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स, और ये करना हमें आता है। यस वी नो हाउ टू ब्रेक डाउन सेमी वेरिएबल कॉस्ट बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स। कंपोनेंट्स याद करो, वो दिन पहला दिन था जब आप और मैं मिले थे, हमने देखा था ना कि यहां पर इस साल इतनी यूनिट्स बनाई इतना खर्चा लगा, नेक्स्ट ईयर इतनी यूनिट्स बनाई इतना खर्चा लगा, तो हमने देखा था वो डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। तो रियल लाइफ में क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आपको ब्रेक डाउन करना पड़ता है दो पार्ट में, जिसमें एक होता है वेरिएबल और एक होता है फिक्स। वेरिएबल वाला पोर्शन वेरिएबल में भेज देते हैं, फिक्स वाला पोर्शन फिक्स में भेज देते हैं, और ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो। तो रियल लाइफ का भी हो गया अपना मुद्दा सॉल्व, है ना। तो सर फिर यहां पर वैसा क्यों नहीं कर रहे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए? वो उसके लिए फिर उतनी इंफॉर्मेशन लगती है, तो हम क्योंकि हालात क्या कि मजबूर है, अब हमें उसे सेमी वेरिएबल में रख नहीं सकते, कहीं ना कहीं ले जाना है, हम उसे कहां लेकर चले गए, फिक्स में। कर लें अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें। चलिए दोस्तों, तो आ जाइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, है ना, विंडोज आपकी मर्जी पर, आपको ओपन करनी है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए दोस्तों बता दीजिए कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले वो नंबर ऑफ पेशेंट बेड डेज हम कैलकुलेट कर लेंगे, और नंबर ऑफ पेशेंट बेड डेज कैलकुलेट करने के बाद वो स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट बना लेंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों, अपन तो रेवेन्यू भी लिख देंगे, कॉस्ट भी लिख देंगे, प्रॉफिट भी निकाल लेंगे, है ना। यानी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो अब आपसे कोई छुपाने वाली बात नहीं, ऐसा हम कुछ प्रेजेंटेशन यहाँ पर करेंगे जिसमें हम बेड डेज का कैलकुलेशन कर लेंगे, एक स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी का बना लेंगे जिसमें ये हो जाएगा हमारा रेवेन्यू, कॉस्ट को हम क्लासिफाई कर देंगे बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, और फाइनली हम क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट, राइट। फिर हम वो जो प्रॉफिट आएगा ना अपना, उस प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे, ये आया ना हमारा प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे किससे, तो आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं करते हैं इस क्वेश्चन को। हम नंबर ऑफ पेशेंट बेड डेज पहले क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, रेवेन्यू के लिए, क्योंकि रेवेन्यू पर बेड पर डे है इसलिए, ठीक है। चलिए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ पेशेंट बेड डेज, या पेशेंट डेज भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों बता दीजिए क्या मल्टीप्लाई में क्या करने की प्लानिंग थी, है ना, 120 डेज इंटू 100 बेड्स, ये हो गए हैं 12,000 बेड डेज,
फिर इसके बाद कितने 80 डेज इंटू 40 3200 बेड डेज। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा बेड्स और लिख दें हम यहां पर 400 एक्स्ट्रा बेड्स हमने ऐसे कैलकुलेट करे थे रुपीस कितना था रुपीस 20,000 डिवाइडेड बाय 50 रुपीस वो हमसे पर बेड लेते थे पर डे यानी 400 एक्स्ट्रा बेड डेज थे। ओके ये आता है 15,600 बेड डेज। ओके अब इसके बाद और क्या स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कह सकते हैं हम इसे ठीक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रेवेन्यू पहले लिखो और फिर कॉस्ट लिखो आप चाहो तो पहले कॉस्ट भी लिख सकते हो फिर टोटल कॉस्ट निकाल लो और फिर टोटल कॉस्ट को कंपेयर किससे कर लो रेवेन्यू से तो भी प्रॉफिट आ जाएगा है ना कुछ भी डायरेक्शन चलेगा। तो हम यहां पर एक कॉलम पर्टिकुलर्स का बना लेते हैं और एक कॉलम हम यहां पर कंप्यूटेशन का बना लेते हैं और एक कॉलम हम यहां पर बना लेते हैं अमाउंट का। चलिए तो सबसे पहले क्या लिख दें जैसा आप बताएं रेवेन्यू का कंप्यूटेशन बहुत आसान है क्या मल्टीप्लाई बाय क्या है ना 15,600 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 200 ये आता है 31,20,000 ठीक है ये आ रहा है 31,20,000 है ना। अब रेवेन्यू के बाद क्या करना है हमें कॉस्ट ठीक है तो हम कॉस्ट के नाम पर यहां पर सबसे पहले कौन सी कॉस्ट ले रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट राइट। अब हम वेरिएबल कॉस्ट क्यों ले रहे हैं यहां पर सबसे पहले उसके पीछे कोई कारण है वो क्या कारण है वो एक्चुअली सेकेंड पॉइंट में जाकर समझ में आएगा ठीक है। चलिए तो कॉस्ट में हम यहां पर सबसे पहले ले रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में हमने कौन कौन सी कॉस्ट सोची थी आप एक बार बताइए। सबसे पहला तो बेड हायर चार्जेस तो सबसे पहले ये हायर चार्जेस ले लेंगे हायर चार्जेस कितने रुपीस हैं 20,000 ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या सोचा था डॉक्टर्स और डॉक्टर्स को हमने वेरिएबल माना था क्यों माना था वो आप समझ गए बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पेशेंट्स अटेंडेड एंड टाइम स्पेंट ठीक है। सो यहां पर डॉक्टर का विजिटिंग चार्जेस या क्या उन्होंने वर्ड क्या लिखा है डॉक्टर्स फी लिखा है ठीक है तो फिर डॉक्टर्स फी लिख देंगे है ना और उसका कंप्यूटेशन शो कर देंगे 30,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स ठीक है 360,000 ओके वेरी गुड कितना सही डाउट पूछा है बंदे ने सर मान लीजिए हमसे मिसक्लासिफिकेशन हो गया कोई सी भी सपोज करो ये वेरिएबल कॉस्ट थी और एग्जाम में जल्दीबाजी में हमने पर मंथ देखा और फिक्स में क्लासिफाई कर दिया तो क्या होगा तो भी दोस्तों आपका आंसर जो आएगा ना प्रॉफिट का वो तो सही आएगा और उसके मार्क्स मिलेंगे आपको प्रॉफिट के आपको मार्क्स मिलेंगे लेकिन आपका ना सेकेंड पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि सेकेंड पॉइंट में जब आपको ब्रेक इवन निकालना रहता है ना तो आपको कॉस्ट फिक्स हो और वेरिएबल में क्लासिफाइड चाहिए और वो करेक्ट क्लासिफाइड चाहिए तो सेकेंड पॉइंट के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे फर्स्ट के तो फिर भी मिल जाएंगे हाँ सेकेंड पॉइंट है ही नहीं राइट तो फिर मिस क्लासिफिकेशन के मार्क्स कटेंगे क्या। अब इसमें सिंपल सी चीज है क्या उन्होंने क्लासिफाई कर रखा है अगर उन्होंने क्लासिफाई कर रखा है आपने भी करा है क्लासिफाई लेकिन आपने मिस क्लासिफाई किया तो फिर मार्क्स डिडक्ट होंगे ठीक है होंगे ऐसे हाँ होगा सीए आसान थोड़ी ना है तो
वो आपका मिसक्लासिफिकेशन अगर हो गया तो फिर मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। चलिए तो डॉक्टर्स फीस के बाद नेक्स्ट क्या है? आप वेरिएबल वाले ही बोल रहे हो ना? हाँ जी। तो वेरिएबल में फूड सप्लाई टू पेशेंट्स है ना 4,40,000, ठीक है। सो फूड सप्लाई टू पेशेंट्स, फोर लैख फोर्टी थाउजेंड राइट। फोर लैख फोर्टी थाउजेंड। फिर इसके बाद ओके, तो केयर टेकर एंड अदर सर्विसेस लिख लीजिए 1,25,000, ठीक है। और बताते जाओ बताते जाओ। लॉन्ड्री चार्जेस कितना आ जाएगा? 1,40,000, ठीक है ओके। फिर इसके बाद मेडिसिंस कितना आ जाएगा? 2,80,000 ओके। और क्या? बस यही आएगा है ना, और तो कुछ नहीं बाकी है ना वेरिएबल के नाम पर। ओके तो अब अपन एक काम करते हैं, यहां पर इस वेरिएबल कॉस्ट का सबसे पहले अपन टोटल लगा लेते हैं और इसे हम बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, कितना आ रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट? 13,65,000 इज अवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। दोस्तों दो लाइन की जगह छोड़ेंगे हम, है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है, अब इसके बाद हम दो लाइन की स्पेस छोड़ देंगे और अब हम फिक्स कॉस्ट लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, तो फिक्स कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट ले लेंगे लाइन से बताइए। सबसे पहले रेंट, रेंट है 50,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, कितना आ जाता है ये? 6,00,000, ठीक है। फिर इसके बाद सुपरवाइजर, नर्सेस एंड वार्ड बॉयज, ठीक है। चलिए आपको तो पूरा पूरा लिखना है, सुपरवाइजर, नर्सेस एंड वार्ड बॉयज, ठीक है। सुपरवाइजर कितने हैं हमारे यहाँ पर? दो, और हर सुपरवाइजर को कितने पे कर रहे हैं? 5,000 रुपीज इंटू 12, 1,20,000। फिर इसके बाद कितनी नर्सेस हैं? 4 इंटू 3,000 रुपीज इंटू 12, ठीक है। कितना आता है ये? 1,44,000, 1,44,000 ओके। फिर इसके बाद वार्ड बॉयज, वार्ड बॉयज कितने हैं? 2, और मल्टीप्लाई बाय 1,500, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना आता है ये? 36,000, 36,000, ठीक है। फिर इसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब आप समझ गए हो कि हमने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को क्यों फिक्स में रखा। एक्चुअली जाना चाहिए सेमी वेरिएबल, बट द पॉइंट इज कि ब्रेक इवन के लिए तो फिर कहीं ना कहीं तो क्लासिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कितना रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का अमाउंट? ट्वेंटी 8,000, ठीक है। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, कितनी है कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन? 75,000, ठीक है। फिर इसके बाद बस दैट्स इट, नहीं एक और है ना एडमिन, जनरल एडमिन, ठीक है। कितना? 71,000, है ना। ये हो गए हमारे सारे के सारे फिक्स कॉस्ट, 10,74,000, 10,74,000 आ जाता है टोटल फिक्स कॉस्ट।
अब दोस्तों हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट क्या निकालना था हमें, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट इजीली निकल जाएगा, यस। प्रॉफिट कैसे क्या निकाल लेंगे थोड़ा सा बताइए, रेवेन्यू लेंगे और रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर देंगे और टोटल फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर देंगे, कर दीजिए फिर फटाफट, 681,000 है ना। तो प्रॉफिट आ गया हमारा 681,000, ठीक है। चलिए ये आ गया हमारा प्रॉफिट, पर क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, प्रॉफिट पर पेशेंट डे, तो हम निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय, इसको हम कर लेते हैं ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट डेज, कितने हैं पेशेंट डेज, 15,600। तो प्रॉफिट पर पेशेंट डे आता है 43.65, ठीक है, ये आता है प्रॉफिट पर पेशेंट डे। ओके, क्वेश्चन की दोस्तों हमने पहली इच्छा पूरी कर दी है ना। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, ये इससे रिलेटेड नोट लिख सकते हो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड, कि जनरली वी क्लासिफाई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अंडर सेमी वेरिएबल हेडिंग, हाउएवर सिंस वी हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन द सेकेंड पॉइंट, सिंस वी नीड टू कैलकुलेट वॉट, ब्रेक इवन पॉइंट ना, इन सेकेंड पॉइंट, सो वी नीड टू क्लासीफाई कॉस्ट आइदर इंटू वेरिएबल और फिक्स, सो वी क्लासीफाइड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंटू फिक्स। तो रीजन क्या है वो समझ में आ गया, मुझे मालूम है ना आप 3 महीने बाद जब रिविजन करोगे तो आप पूछोगे कि सर ये क्या, और दो स्टेप शॉट खींच के भेजोगे, एक तो ये वाला और एक वो वाला, और फिर पूछोगे बताओ कौन सा सही है। तो मैं आपको पहले ही लिखवा दूं ना कि यहां पर मजबूरी में हमने क्लासिफिकेशन यहां पर किया, ठीक है, लिखवा देता हूं मैं, जनरली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज क्लासिफाइड, जनरली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज क्लासिफाइड एज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, बट इन दिस क्वेश्चन we have to calculate break-even point which requires cost to be classified either as a variable cost or as a फिक्स कॉस्ट। तो हमने यहां पर एक अजम्पशन ले लिया है कि वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का तो जो खर्चा निकलता है हॉस्पिटल में वो निकलेगा इसी, उसको पेशेंट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, हमने उसे क्लासिफाई कर दिया है फिक्स में, ठीक है। ओके, अब ये जो कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन है ये भी एक ग्रे एरिया था, इसके ड्यूअल इंटरप्रिटेशन थे। तो हमने इसको फिक्स में क्यों क्लासिफाई किया, क्योंकि आईसीआई ने इसे फिक्स में क्लासिफाई किया है। तो ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखकर ही आपको एग्जाम में जाना पड़ेगा, राइट, मतलब सर इसे ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखकर जानी पड़ेगी, ऐसे मान के चलो कि करीब 20 से 25 ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे, जब हम 500 क्वेश्चन करेंगे ना तो 20 से 25 क्वेश्चन में ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे कि ये ध्यान रखकर जाना पड़ेगा कि ये ऐसा होगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर हमने कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन क्यों एज अ फिक्स क्लासीफाई किया, बिकॉज ICAI हैज क्लासिफाइड इट एज अ फिक्स कॉस्ट, चलिए
अब दोस्तों हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक बार अपन सेकेंड पॉइंट पूरा पढ़ लेते हैं यार, है ना। ओके, मन में कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, चलिए दोस्तों सेकेंड पॉइंट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है, द यूनिट वर्क्स, द यूनिट वॉन्ट्स टू वर्क ऑन अ बजट फॉर द ईयर 2021, बट द नंबर ऑफ पेशेंट्स रिक्वायरिंग मेडिकल केयर इज अ वेरी अनसर्टेन फैक्टर, assuming that the same revenue and expenses prevail in the year 2021 in the first instance, यानी हमारे revenues और expenses वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं. Work out the number of patient days required by the unit to break even, right? दोस्तों break even मैंने आपको वो कभी पढ़ाया था वहां पर basics में, मैंने तब आपको यही बोला था कि ये जो हम basics यहां पर पढ़ रहे हैं ये ऐसे basics हैं जो किसी भी chapter में कहीं पर भी काम में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने जब आपको ब्रेक इवन पढ़ाया था तो उससे पहले मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट शीट सिखाई थी, है ना। एक बार दो मिनट क्विक रिव्यू कर लेते हैं। आपको आज भी याद होगा वहां पर हमारा फ्रेंड 1000 आइसक्रीम्स बेच रहा था एट द रेट ऑफ 50 रुपीज, तो उसका महीने भर का 50,000 रुपए का गल्ला था और वो आइसक्रीम खरीद कर कितने में ला रहा था, 30 रुपीज में मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी 30,000 उसकी वेरिएबल कॉस्ट थी। और इसको वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, इधर एक आइसक्रीम अगर ज्यादा बिकी तो उधर एक आइसक्रीम ज्यादा खरीदनी भी पड़ेगी। सो दिस आइसक्रीम वैरीज विद द नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट, दिस कॉस्ट वैरीज विद द नंबर ऑफ यूनिट्स। दोस्तों फिर इसके बाद ये आता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, 20,000 रुपीज, हम इसे कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये याद है आपको। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स अस कॉन्ट्रीब्यूशन, और इसमें से हमने एक और चीज क्या माइनस कर दी है, फिक्स कॉस्ट, तो ये आ जाता है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। ओके, अब दोस्तों यहां पर तो अपना दोस्त प्रॉफिट में है, लेकिन कल को अगर उसका सेल्स डाउन जाने लग जाए, सेल्स अगर उसका गिरने लग जाए, तो फिर वो ये पता करना चाहता है कि आखिर मेरा सेल कम से कम कितनी यूनिट्स होना चाहिए भाई, 400 यूनिट होना चाहिए, 500 यूनिट होना चाहिए, 600 यूनिट होना चाहिए, 700, आखिर कितना यूनिट होना चाहिए ताकि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में आ जाऊं। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है प्रॉफिट भले ही नहीं हो लेकिन लॉस भी नहीं हो, राइट। उस केस में हम यहां पर क्या अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द प्रॉफिट बी जीरो। अच्छा, जो फिक्स कॉस्ट है उसको तो इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितनी आइसक्रीम बेच रहे हो, जो आपकी शॉप का रेंट लगना है सो तो लगना है, आपकी दुकान चले ना चले रेंट का मीटर तो चलता रहेगा। तो दोस्तों ये फिक्स कॉस्ट कितनी आती है यहां पर, 15,000। अगर यहां आपको जीरो चाहिए और फिक्स कॉस्ट 15,000 है तो कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 15,000 ही होना चाहिए, क्योंकि जब कंट्रीब्यूशन 15,000 होगा तभी तो फिक्स कॉस्ट 15,000 माइनस होकर प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। ओके, दोस्तों एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है और ये 20 ही रहेगा ना, मैं कहता हूं आप पहली यूनिट बेचोगे तो भी आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 ही रहेगा, आप सेकेंड यूनिट बेचोगे तब भी आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 ही रहेगा। तो 20 रुपीज पर यूनिट 20-20 रुपए का नोट इमेजिन कर लो सब, 20-20 रुपए का नोट आखिर कितनी बार मुझे मिल जाना चाहिए ताकि मेरे पास 15,000 रुपए इकट्ठे हो जाए, 15,000 डिवाइडेड बाय 20, 750, 750 यूनिट जिस दिन मैं बेच दूंगा, 750 यूनिट्स, तो हर एक यूनिट पर 20 रुपीज के हिसाब से मुझे 15,000 रुपए मिल जाएंगे, राइट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आता है, 750 यूनिट्स, इज दैट क्लियर, ठीक है। क्या ये ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर कुछ लोगों ने बोला कि भाई इतना दिमाग कहां लगाएंगे, उसकी बजाय कोई फॉर्मूले का आविष्कार करो। तो हमने यहां पर फॉर्मूले का आविष्कार कर लिया था, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वो नंबर होता है जितना हमें कॉन्ट्रीब्यूशन इकट्ठा करना है, डिवाइडेड बाय एक यूनिट से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये आ जाता है कि कितनी यूनिट बेचनी है, इज दैट क्लियर। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं और अब मैं आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछता हूं तो आपने सिर्फ दो ही तो काम करने हैं, फिक्स कॉस्ट लेनी हो डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देना है। अच्छा, अपने केस में हम हॉस्पिटल चला रहे हैं अभी, तो यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वर्ड की जगह हम क्या वर्ड यूज कर लेंगे, कंट्रीब्यूशन पर बेड डे, इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, अपने सॉल्यूशन में एक काम करते हैं ना, क्या जो मैं सोच रहा हूं वही आप भी सोच रहे हैं, ये जो हमने यहां पर रेवेन्यू लिख दिया है और ये जो हमने यहां पर
वेरिएबल कॉस्ट निकाल दिए, बीच में जो हमने दो लाइन की जगह छोड़ी थी वहां क्या कैलकुलेट कर लें, कंट्रीब्यूशन, टोटल वाला टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लें, और वक्त आने पर उसी टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे पेशेंट डेज से, तो वो निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। तो हम यहां पर हमने जो दो लाइन की जगह छोड़ी थी वहां पर हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम रेवेन्यू में से क्या माइनस कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट। कितना आता है ये कंट्रीब्यूशन, कितना आता है 17,55,000। ठीक है, चलिए। तो अब अपन सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं, और सेकेंड पॉइंट पर सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर दे सेकेंड पॉइंट में, कंट्रीब्यूशन पर बेड डे। ठीक है, चलिए। तो सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, और सेकेंड पॉइंट में कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन पर बेड डे इज इक्वल टू, हाँ जी, कितना है कंट्रीब्यूशन, 17,55,000 है हमारा कंट्रीब्यूशन, और हम इसको डिवाइड कर देंगे कितने बेड डेज हैं, 15,600। ठीक है, 15,600 बेड डेज, कितना आता है ये 112.50, राइट, ये आता है हमारा कंट्रीब्यूशन पर बेड डे, राइट। अब हम दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का। चलिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, लेकिन हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह क्या लिख देंगे, कंट्रीब्यूशन पर बेड डे, ओके। तो फिक्स कॉस्ट कितनी लिख देंगे, फिक्स कॉस्ट का भी हमने वहां पर टोटल लगाया था 10,74,000। ठीक है, 10,74,000 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन पर बेड डे, 112.50, है ना, कितना आ रहा है आंसर, 9546.66, यानी 67। तो आप इसमें ऐसा भी लिख देना, डेसिमल में भी लिख देना, और फिर अप्रॉक्स में लिख देना, क्योंकि वो देखो डेसिमल में पॉसिबल तो है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, रफली 9547 पेशेंट डेज हमें चाहिए। अगर इतने पेशेंट डेज हमें मिल गए तो हमारा हॉस्पिटल ब्रेक इवन पर आ जाएगा। क्या है, क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 19, है ना। इसमें हमें एडवाइस नहीं देनी पड़ेगी, अपन देखते हैं क्वेश्चन ने हमसे मांगी है क्या एडवाइस, नहीं। अगर एडवाइस जैसे यहां पर क्या है, कुछ है ही नहीं एडवाइस जैसा। ब्रेक इवन पॉइंट का नंबर अपने आप में ही एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नंबर है दुनिया को, यानी आपने बोला ना कि मैं नया काम शुरू करने वाला हूं और इसका ब्रेक इवन इतना है, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि अगर इससे नीचे जाने वाला है आपका नंबर तो वो काम ना करे तो ज्यादा अच्छा, उससे ऊपर जाने वाला है नंबर तो फिर आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। बहुत सिंपल वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसमें कुछ भी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना, तुम भी पूछ लो। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, अरे बापरे, तो बाद में पूछ लेना यार। चलिए दोस्तों, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आईसीआई के स्टडी मटेरियल का है और सीएमए के स्टडी मटेरियल का है। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मोर और लेस उसी के जैसा लग रहा है, आप एक बार इस क्वेश्चन पर नजर मारेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लगभग उसी के जैसा क्वेश्चन है। क्या कहते हो आप, है ना, लगभग उसी के जैसा क्वेश्चन है, राइट। तो इसे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। एबीसी हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट इन अ हायर्ड बिल्डिंग, ओ लो,
सब दोस्तों किराए की बिल्डिंग में हॉस्पिटल चला रहे हैं। सीसीयू कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी, ये सीसीयू क्या है? अच्छा क्रिटिकल केयर यूनिट, ओके। सो इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बेड्स? 35 बेड्स, एंड 5 मोर बेड्स कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड। रेंट पर मंथ कितना बैठता है इनका? 75,000 पर मंथ। सुपरवाइजर 2 persons एट द रेट 25,000 पर मंथ। नर्सेस 4 इंटू 20,000 पर मंथ। वार्ड बॉयज 4 इंटू 5,000 पर मंथ। डॉक्टर्स आर पेड कितना अमाउंट? 2,50,000 पर मंथ, पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंड बाय देम। यानी कि ये हो गई है वेरिएबल कॉस्ट। अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर के नाम पर हमें रिपेयर्स दे रखा है, जिसके ब्रैकेट में क्या लिख दिया है? फिक्स, ताकि चक्कर ही खत्म एग्जाम में सोचने का। फूड टू पेशेंट्स क्लियर कट लिख दिया, इट इज वेरिएबल। अदर सर्विसेज टू पेशेंट्स वेरिएबल। लॉन्ड्री चार्जेस, मेडिसिन, अदर फिक्स एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अलोकेटेड। एडमिन एक्सपेंसेस क्या होते हैं आप समझते होंगे, राइट? ऑफिस रनिंग के डे टू डे एक्सपेंसेस, दिस आर एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फॉर 150 डेज इन अ ईयर 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड, एंड फॉर 80 डेज ओनली 25 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। यानी 150 दिन तो 35 के 35 पूरे, अपनी कैपेसिटी कितनी है यार यहाँ पर 35 बेड्स की है ना, तो 150 डेज तो पूरे 35 बेड्स ऑक्यूपाइड रहे और 80 डेज 25 बेड्स ऑक्यूपाइड रहे। द हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड्स एट अ चार्ज ऑफ रुपीज 100 पर बेड पर डे। तो हॉस्पिटल ने 750 बेड्स और हायर करे और उसके लिए उसने चार्जेस कितना पे करा? 100 रुपीज का चार्जेस पे करा पर बेड पर डे टू अकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट्स। यानी कुछ दिनों में फ्लो ऑफ पेशेंट्स काफी ज्यादा था तो उन्हें अकोमोडेट करना पड़ा। हाउएवर दिस डज नॉट एक्सीड मोर देन 5 एक्स्ट्रा बेड्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 35 बेड्स ऑन एनी डे। मतलब वो सेम टोन पर चल रहा है क्वेश्चन। You are required to calculate contribution per patient day. आज हमें क्या कैलकुलेट करना है? Contribution कैलकुलेट करना है per patient day. यानी कि दोस्तों हमें टोटल contribution निकालना पड़ेगा और इस टोटल contribution को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पेशेंट बेड डेज से, डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा contribution per patient day. If the hospital recovers on an average rupees 2000 per day from each पेशेंट, ठीक है। और बी पॉइंट में क्या पता करना है? ब्रेक इवन पॉइंट हमें पता करना है फॉर द हॉस्पिटल, राइट? दोस्तों लगता है आपको आप में है वो बात कि अगर ये क्वेश्चन छप जाए एग्जाम में तो कुछ हम कर पाएंगे, है ना? चलिए तो हमें यहाँ पर सबसे पहले, अच्छा इस क्वेश्चन में वो वाला तो कोई चक्कर ही नहीं कि हमें प्रॉफिट निकालना है या ऐसा कुछ करना है। ये क्वेश्चन हमसे पूछी सिर्फ क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अपन एक तो रेवेन्यू निकाल लेंगे, दूसरा सारी वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे और निकल जाएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, रेवेन्यू निकालते हैं। चलो सबसे पहले रेवेन्यू दोस्तों हम कितने रुपीस पर डे कमा रहे हैं? 2000 रुपीस कमा रहे हैं हम पर डे, लेकिन हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नंबर ऑफ पेशेंट डेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? ये जो 150 डेज है इसको मल्टीप्लाई बाय 35 बेड्स। कर लो कितना आ रहा है ये मुझे बताते जाओ। 5250 5250 बेड डेज आ गया, प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आता है? 2000 बेड डेज। इज दैट क्लियर? और एक और वो 750, राइट? कितना आ रहा है आंसर? 8000 बेड डेज आ गया। मैं यहां पर आपके सामने आंसर फ्लैश कर देता हूं दोस्तों, ये देखिए 8000। इसका प्रेजेंटेशन भी आपसे हो जाएगा 8000, ओके। तो वक्त आने पर रेवेन्यू तो निकल ही जाएगा, निकाल ही लिया होगा आपने अभी तक रेवेन्यू। 8000 बेड डेज मल्टीप्लाई बाय 2000 कितना आता है? ये देखिए 1,60,00,000 रुपीस आता है हमारा टोटल रेवेन्यू, राइट? अब दोस्तों हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना है, तो आप जरा बताते जाइए शुरू से। रेंट को कहां डाल देंगे? फिक्स में। सुपरवाइजर फिक्स, फिर फिक्स, फिर फिक्स, फिर वेरिएबल, फिर अच्छा फिर तो लिखा हुई है फिक्स वेरिएबल 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 और फिक्स और फिक्स, ठीक है। और कुछ इसके अलावा? यार ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ये 750 बेड्स एट अ चार्ज ऑफ रुपीज 100 है ना, ये ऐड करना पड़ेगा और ये याद रखना पड़ेगा। अगर ये छूट गया एग्जाम में तो गलत हो जाएगा,
ठीक है, ये खुद से याद रखना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन ने क्या किया था, अमाउंट दे दिया था, हमने बैड डेज निकाले थे। इस वाले क्वेश्चन ने क्या किया, बैड डेज दे दिया, हमने अमाउंट निकालना याद रखना है। अमाउंट कितना आता है, 75,000 आता है अमाउंट, 75,000। और ये 75,000 कहां क्लासिफाई कर देंगे, वेरिएबल में क्लासिफाई कर देंगे। इज दैट क्लियर? और कुछ तो नहीं है खर्चा दोस्तों। चलिए तो आप एक काम कीजिए, अब अपन कैलकुलेटर की मेमोरी तो आप क्लियर कर दीजिए। कैलकुलेटर में हमने 1,60,00,000 का रेवेन्यू तो पहले कैलकुलेट कर ही दिया था, इसको तो हटा दो, आप कैलकुलेटर में से हटा दो। अभी अपन सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का टोटल लगा रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट आप देखते जाइए और टोटल लगाते जाइए। 2,50,000 पर मंथ है मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ, जान दो मेमोरी में प्लस में। फिर 8,80,000 फॉर द ईयर है सीधे, जान दो मेमोरी में जान दो। फिर इसके बाद 3,00,000 जान दो जान दो। फिर 6,00,000 जान दो। फिर इसके बाद 7,50,000 जान दो मेमोरी में जान दो। फिर 75,000 जान दो दोस्तों, नंबर आन दो कितना आ रहा है, 56,05,000। ठीक है, ये देखिए ना, 56,05,000 आ रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वक्त आने पर हम कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं। 1,60,00,000 था रेवेन्यू, याद है 1,60,00,000 में से इसको माइनस कर देंगे टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट को, तो कंट्रीब्यूशन आता है 1,03,95,000। इज दैट क्लियर? ओके, अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन ने ना कहीं पर भी हमसे प्रॉफिटेबिलिटी पूछी नहीं है। देखो पूछी है क्या उन्होंने, नहीं पूछी है ना। अगर नहीं पूछिए तो कैलकुलेट करने की एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब ये क्योंकि स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो उन्होंने क्या करा, बच्चों को प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना सिखाने के उद्देश्य से उन्होंने कहा कि जब हमने कंट्रीब्यूशन तक निकाल ही दिया तो लेट्स डिडक्ट फिक्स कॉस्ट एंड लेट्स कैलकुलेट प्रॉफिट। उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके कोई मार्क्स भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो हम भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो अभी आपकी स्क्रीन पर वो लिखा है क्या कंट्रीब्यूशन, ये था ना कंट्रीब्यूशन आया था ना, 1,03,95,000 आया था कंट्रीब्यूशन। इसको मेमोरी में प्लस कर लेते हैं और अब सारी फिक्स कॉस्ट को अपन मेमोरी से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी, 75,000 × 12 इसको हम कर लेंगे मेमोरी में माइनस। फिर इसके बाद 2 × 25,000 × 12 इसको आप कर लेंगे मेमोरी में माइनस, ठीक है। फिर इसके बाद हाँ 4 × 5,000 × 12 कर लीजिए मेमोरी में माइनस। फिर इसके बाद ये नहीं है ना, डॉक्टर्स की फीस नहीं, ठीक है। फिर 81,000 जाएगा मेमोरी में से, 10,80,000 जाएगा मेमोरी में से और 10,00,000 भी जाएगा मेमोरी में से। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो कितना आ रहा है प्रॉफिट दोस्तों आप मुझे बताइए। 55,34,000, is that clear? आगे के profit 55,34,000, एक skip हो गया था मुझसे, पर आपने उसका ध्यान रखा होगा, क्या चीज skip हो गई, वार्ड बॉय का खर्चा है ना, 4 × 5,000 × 12, is that clear? Okay, क्या आपका profit आ गया करेक्ट 55,34,000, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हमें क्या निकालना था, अगर कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे, इजीली निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। कैसे निकालेंगे बताइए, वो जो हमने ऊपर कंट्रीब्यूशन नहीं कैलकुलेट कर लिया था, बस डिवाइड कर देंगे इसको, किससे डिवाइड कर देंगे, पेशेंट बेड डेज। आपको याद है कितने थे पेशेंट बेड डेज, 8,000, कर लो आंसर बताओ, 1,1,000, ये देखो आंसर मैच हो गया 1,299,375 है ना, तो इसके मार्क्स से 1,299,375 कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे के मार्क्स से। इज दैट क्लियर? ओके, फिर इसके बाद दूसरा कैलकुलेशन एक और क्या करना है हमें, यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बोल दो फटाफट, क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वही पर बेड डे। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी, हमने निकाली थी फिक्स कॉस्ट, मतलब अपन ने क्या करा था, कंट्रीब्यूशन में से सीधे मेमोरी माइनस कर दिया था और प्रॉफिट निकाल लिया था, है ना। थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं और यही फिक्स कॉस्ट अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ये ले लीजिए फिक्स कॉस्ट, 48,61,000 आ गई है फिक्स कॉस्ट। इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1,299,375। दोस्तों आंसर बताइए कितना आ रहा है,
ये देखो 3741, यानी क्वेश्चन आपको लगता है आपसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ पर कौन सा सेक्टर कंप्लीट कर लिया, हॉस्पिटल सेक्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है ना। अगर थोड़ी सी इजाजत हो आपकी तो हम यहाँ पर आईटी सेक्टर भी यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा, बहुत सिंपल सी बात मुझे आपको समझानी आईटी सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, हॉस्पिटल में ऐसे ही क्वेश्चन आता है जैसे हमने देखा ना, बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है चलिए दोस्तों, आते हैं हम कॉन्सेप्ट कॉपी में और आईटी सेक्टर की तारीफ में दो शब्द लिखेंगे। अब जो सेक्टर्स है ना वो फटाफट होंगे। वो जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर था ना उसमें टाइम लगता है, बाकी सारे फटाफट हो जाते हैं। सो लेट्स कम ऑन टू आईटी एंड आईटीईएस सेक्टर। कॉन्सेप्ट कॉपी में पधारेंगे दोस्तों। आईटी एंड आईटीईएस सेक्टर तो ये था थर्ड, तो ये हो गया है फोर्थ। दोस्तों जब मैं सीए बना था तो मेरी सबसे पहली जॉब ही एक आईटी कंपनी में लगी थी, इंफोसिस में, राइट। तो तब तो बात थी 15-18 साल पहले की, राइट। तब से अभी तक में तो सर्विसेज सेक्टर ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है और आज की तारीख में हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ही सर्विसेज सेक्टर का, और उसमें भी जो हमारे देश भारत का नाम जो दुनिया में रोशन हुआ है ना, वो दोस्तों हुआ ही सिर्फ आईटी सर्विसेज की वजह से। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका आईटी सेक्टर में बोलबाला है, यानी चाहे अमेरिका चल जाओ, चाहे यूरोप चल जाओ, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चल जाओ, चाहे कनाडा चल जाओ, चाहे मिडल ईस्ट चल जाओ, हर जगह पर हमारे आईटी इंजीनियर्स मौजूद है। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी आईटी सर्विसेज दी जाती है उसका मेजर प्रोपोर्शन इंडिया होल्ड करता है, और ये एक ऐसा सेगमेंट है जो हमसे कोई छीन भी नहीं सकता, चाइना छीन नहीं सकता, क्योंकि इस चीज को करने में लगता है दिमाग, राइट। वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं लेकिन दिमाग कॉपी पेस्ट, देखो प्रोडक्ट देख लिया उन्होंने तो प्रोडक्ट तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा लेकिन माइंड जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। हमारे जो आईटी इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इतने सालों तक इतने सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए, इतनी सारी टेक्नोलॉजी का उन्हें एक्सपीरियंस है, वो दूसरे लोग आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर सकते, राइट। अब दोस्तों सपोज करें कि आपकी भी जॉब मेरी ही तरह किसी आईटी कंपनी में लग गई, इंफोसिस है, टीसीएस है, या फिर विप्रो हुआ, या फिर कितनी सारी टेक महिंद्रा हो गया, एंड सो ऑन, राइट। और वहां पर आपको फाइनेंस, एज अ फाइनेंस पर्सन वहां पर आपको उस टीम में शामिल किया गया जिस टीम में आपको क्लाइंट को कोटेशन भेजना है। क्या करना है आपको? क्लाइंट को कोटेशन भेजना है, यानी दोस्तों आपकी कंपनी ने आपके अमेरिका के टिकट्स बुक करवा दिए जिसमें आप हैं उस टीम में, और साथ में है प्रोजेक्ट मैनेजर। कौन? प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसको पूरा इसका आईटी साइड का आईडिया, और आप दोनों फ्लाई करके गए अमेरिका। अमेरिका में क्लाइंट से बातचीत चल रही, वो उसकी प्रोसेस बता रहा है कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आपको देना है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस का जितना भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम है वो आपको मैनेज करना है। अगर अमेरिका में किसी भी एम्प्लॉई को कोई भी दिक्कत आती है सॉफ्टवेयर में, आपको उसे इश्यू को रिजोल्व करना है। नए नए जैसे जैसे डे टू डे बिजनेस करने के तरीके बदलते चले जाते हैं तो सॉफ्टवेयर में भी उसका करेस्पॉन्डिंग अपग्रेड लाते जाने, वो सारा काम आपको हैंडल करना है। इधर पड़ोस में बैठे हम सारी बात सुन रहे हैं, वो दोनों लोग बात कर रहे हैं, उधर वो जो अमेरिकन क्लाइंट है जो हमें बिजनेस देने वाला है, और इधर हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट। अपने प्रोजेक्ट मैनेजर ने सारी चीजें नोट कर ली कि क्या क्या काम करना है। दोस्तों शाम को हम आए हमारे होटल वापस। अब प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला यार क्लाइंट को हमें कॉम्पिटिटिव रेट्स कोट करने, सीए लग जाओ काम पर। अब दोस्तों आप देखना क्या करेंगे, आप उनकी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? रिक्वायरमेंट कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में आखिर हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लगेंगे। सपोज करें आपने कैलकुलेट करा दैट वी वुड नीड अ टीम ऑफ 200 एम्प्लॉइज टू हैंडल दिस टास्क, तो आपको क्लाइंट को कोटेशन देना पड़ेगा ना कुछ, हाँ।
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्टिंग वर्कआउट करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जिसे कि हमें करना है, जो हमें मिलने वाला है, इसके आखिर कॉस्टिंग हमारी कंपनी को कितनी बैठती है। अच्छा, वो जो 200 एम्प्लॉयज लगेंगे, सबकी सैलरी एक बराबर होगी या सबकी सैलरी डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी, क्योंकि उसमें कुछ सीनियर एम्प्लॉयज लगेंगे, कुछ जूनियर एम्प्लॉयज लगेंगे, कुछ उसमें डेवलपर्स लगेंगे, कुछ उसमें टेस्टिंग वाले बंदे लगेंगे, राइट, टीम लीडर्स लगेंगे एंड सो ऑन, राइट। तो आप क्या करेंगे, उन 200 एम्प्लॉयज का क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि उसमें कितने टीम लीड्स लगेंगे, कितने डेवलपर वाले एंड सो ऑन, और उन सबका आप सैलरी का रेट पता कर लेंगे कहां से, एचआर डिपार्टमेंट से, कि ये जो एम्प्लॉयज हैं जिनको कि हम इस प्रोजेक्ट पर ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, आखिर उनका एक ऑन एन एवरेज सैलरी का रेट क्या होता है। इस तरीके से आपने एम्प्लॉयज की कॉस्ट तो कैलकुलेट कर ली, राइट। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? बस जो एम्प्लॉय की कॉस्ट है वो रिकवर कर लेंगे, या उसके अलावा भी न जाने कितनी सारी कॉस्ट हमारी कंपनी बेयर करती है, ना जाने कितनी सारी कॉस्ट। दोस्तों कौन कौन सी कॉस्ट इसके अलावा? लैपटॉप्स, इफ देयर आर 200 एम्प्लॉयज देन वी नीड टू गिव देम 200 लैपटॉप्स, उस पर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस, वाईफाई का एक्सपेंसेस, फर्नीचर एंड फिक्सचर, बिल्डिंग एरिया, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन या फिर बिल्डिंग का रेंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, या फिर नेटवर्क का खर्चा, जो आपने बताया वाईफाई की कॉस्ट, वहां पर तो नेटवर्किंग का खर्चा लगता है, डेटा सर्वर का भी कॉस्ट लग सकता है। तो ये सारी कॉस्ट दोस्तों आपको वर्कआउट करनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आखिर कितनी कॉस्ट लगेगी, राइट। तभी दोस्तों आपने देखा कि मेरी कंपनी में एक है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, और ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में 50 एम्प्लॉइज है ना। क्या ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट वाले आकर इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे? नहीं करेंगे, ये प्रोजेक्ट आईटी वाले हैंडल करेंगे। बट कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को भी तो कंपनी सैलरी देती है, तो उनके एक्सपेंसेस का भी तो एक फेयर शेयर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर चार्ज किया जाना चाहिए, ताकि वह हम क्लाइंट से रिकवर कर पाए। क्योंकि हमारी कंपनी में मान लीजिए 10 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो किसी भी प्रोजेक्ट में एचआर वाले बंदे काम नहीं करेंगे, लेकिन एचआर वाले सपोर्ट तो देंगे इसे इन 10 के 10 प्रोजेक्ट को। किसी भी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम आई, दे आर गोइंग टू हैंडल, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जैसे कैंटीन हो गया हमारे ऑफिस में, तो कैंटीन में भी एम्प्लॉयज होंगे, वहां का भी तो खर्चा लगता होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी एडमिन रिलेटेड कॉस्ट, एचआर रिलेटेड कॉस्ट का एक फेयर शेयर भी हमारे प्रोजेक्ट पर चार्ज करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन रिकवर इट फ्रॉम द क्लाइंट। इज दैट क्लियर? दोस्तों आईटी सेक्टर में जब आप कॉस्टिंग करेंगे तो कॉस्टिंग की यूनिट आखिर क्या होगी? अ प्रोजेक्ट। कितना सही बोला यार बंदे ने, पर प्रोजेक्ट। कभी भी क्या होता है, कंपनी में आईटी वाले जो रहते हैं उनका हर प्रोजेक्ट अलग अलग होता है, तो वो लोग ऐसा नहीं करते हैं कि हमारी पूरी कंपनी की कितनी कॉस्ट, पूरी कंपनी की कितनी सैलरी और सबको डिवाइड कर दो। नो, क्योंकि वहां पर हर प्रोजेक्ट में अलग अलग स्किल्स लगती है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड और जिसमें हमें सीनियर और महंगे एम्प्लॉयज लगे, तो फिर उस प्रोजेक्ट पर हम ज्यादा बिलिंग रेट लगाएंगे। तो यहां पर एक सिंगल बिलिंग रेट रहती है क्या किसी भी आईटी कंपनी की, या वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट डिफर करती है? प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट डिफर करती है। तो यहां पर कॉस्टिंग की यूनिट क्या होती है? अ प्रोजेक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, लिखते हैं दोस्तों इसको। सो आईटी और आईटीईएस, ओ आप ये समझना चाहते हो कि सर आईटी का फुल फॉर्म तो पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीईएस क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, यानी वो सर्विसेज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हम दे पा रहे हैं। इसके अंदर आपका वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ केपीओ, वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, मालूम होगा ना आपको बीपीओ केपीओ तो इंडिया में कितना चलता है, राइट? वैसा सो यूजुअली the unit of cost is a project। यहां जो हमारी यूनिट होगी कॉस्टिंग की वो क्या होगी? यूनिट कॉस्टिंग की अ प्रोजेक्ट। अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड।
और इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक हमें प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट यहाँ पर प्रिपेयर करनी पड़ेगी हर प्रोजेक्ट के लिए, कि हम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में कितनी कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बनाएंगे, आप भी समझ रहे हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट में जितने सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड खर्चे होंगे वो हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आईटी सेक्टर में जब वो प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बनाई जाएगी ना, तो उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होंगे, मतलब तीन क्लासिफिकेशन होंगे, है ना। और ये तीन वो वाले नहीं, वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल नहीं। आईटी सेक्टर वाले देखना कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सो इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच प्रोजेक्ट यूजुअली कंप्राइजिंग ऑफ, यूजुअली कंप्राइजिंग ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स, थ्री कंपोनेंट्स। इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स? अच्छा एक बात बताइए, जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट ही क्या होगा? एम्प्लॉयज की सैलरी, क्योंकि पूरा आईटी सेक्टर में जो सबसे बड़ा कॉस्टिंग का हेड होता है वो होता है एम्प्लॉयज की सैलरी, है ना। इंफोसिस का सबसे बड़ा खर्चा ही है एम्प्लॉयज की सैलरी, राइट। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट का वो होता है सैलरी ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयज। सैलरी ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयज, यहां पे डायरेक्ट एम्प्लॉयज का मतलब होता है वह एम्प्लॉयज जो डायरेक्टली हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, राइट। आखिर कौन कौन से एम्प्लॉयज डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं? से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, दूसरा टीम लीडर्स, इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। और टीम लीडर के ऊपर भी एक बंदा होता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, है ना। प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में काफी सारे टीम लीडर्स काम करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर वो व्यक्ति होता है जिसको ओवरऑल प्रोजेक्ट के इंटीग्रेशन की जिम्मेदारी होती है। क्या रहता है, जैसे एक सॉफ्टवेयर बन रहा है तो सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं ना। तो एक कंपोनेंट ये टीम देख रही, कंपोनेंट वो टीम देख रही, इस टीम का ये टीम लीड, उस टीम का वो टीम लीड, और इन सब के ऊपर कौन बैठा हुआ है? प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट। प्रोजेक्ट मैनेजर्स सैलरी। अब दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहते हैं काफी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति रहेगा, ही माइट बी हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ से 20 ईयर्स और 25 ईयर्स, राइट। ताकि वो जानता है कि प्रोजेक्ट ऐसा तो नहीं डिले हो रहा है, और अगर डिले हो रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए, एंड सोन। और वो अपने एक्सपीरियंस से जानता है कि प्रोजेक्ट में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, सोन, राइट। कई बार क्या होता है कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, ये एक प्रोजेक्ट नहीं देखता है, क्योंकि इसको कोई कोडिंग तो करनी नहीं है, टेस्टिंग तो करनी नहीं है, राइट। वो तो सब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बंदे लोग हैं वो सब कर रहे हैं, इसको बस एक ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेज करना है कि ऑन टाइम चल रहा है नहीं, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना, क्लाइंट की कोई नई रिक्वायरमेंट आई हो तो उसको अपनी टीम को बताना, एंड सो ऑन, राइट, कोऑर्डिनेशन बिठाना। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है ये कई बार एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करता है। सपोज करें दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर, इसकी सैलरी है 3 लाख रुपए महीना, है ना, 3 लाख रुपीज पर मंथ इसकी सैलरी है, राइट। एंड ही इज डिवोटिंग 40% ऑफ द टाइम ऑन प्रोजेक्ट ए, ही इज डिवोटिंग 20% ऑफ द टाइम ऑन प्रोजेक्ट बी, एंड रिमेनिंग 40% ऑफ द टाइम ऑन प्रोजेक्ट सी। तो अब आप बताइए कि अगर हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बना रहे हैं, अगर कौन से प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट ए के लिए, तो क्या इस प्रोजेक्ट मैनेजर की पूरी सैलरी इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट पर चार्ज कर देना सही होगा क्या? नहीं। तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन करते वक्त प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में लिखा जाए दैट ही इज इन्वॉल्व इन टू मोर देन वन प्रोजेक्ट एंड ही इज डिवोटिंग 40% ऑफ हिज टाइम ऑन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो हमें सिर्फ 40% पोर्शन ही लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर सैलरी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस हमें लेनी है,
इफ इन्वॉल्व इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो तो प्रोपोर्शनेट बेसिस। मान लीजिए कि फुल टाइम अगर प्रोजेक्ट मैनेजर साहब इसी प्रोजेक्ट पर लगे हैं तो फिर तो उनका सारा खर्चा इसी प्रोजेक्ट पर चार्ज किया जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, ये होता है दोस्तों हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट का सबसे पहला कंपोनेंट। ठीक है, इसमें हर तरह के वो एम्प्लॉयज आ गए हैं जो कि डायरेक्टली प्रोजेक्ट पर इन्वॉल्व है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टीम लीडर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, अब इसके बाद आता है दूसरा हेडिंग, और दूसरा हेडिंग होता है ऐसे दूसरे खर्चे जो कि सीधे इस प्रोजेक्ट से ट्रेसिएबल है, यानी जो क्लियर कट ही दिख रहे हैं कि अरे ये खर्चा तो इसी प्रोजेक्ट के लिए लगा हुआ है। डायरेक्टली ट्रेसिएबल एक्सपेंसेस, आखिर ऐसे क्या खर्चे होते हैं जो कि हम सीधा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अरे ये खर्चा तो लगी इस प्रोजेक्ट के लिए रहा है, इसी प्रोजेक्ट पर चार्ज करेंगे। जैसे जो लैपटॉप्स का डेप्रिसिएशन है, जो कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन है, तो कंप्यूटर्स तो हमें मालूम ही होगा ना, जो आईटी कंपनीज रहती है इनके सारे वो कंप्यूटर्स पर सीरियल नंबर लिख देती है कि इस पर्टिकुलर सीरियल नंबर का लैपटॉप हमने इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को इस दिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए दिया। यार इंफोसिस में कितने एम्प्लॉयज आपको मालूम, 3-4 लाख एम्प्लॉयज है। 3-4 लाख एम्प्लॉयज में वो 3-4 लाख लैपटॉप्स उन्होंने बांटे हैं, तो हाउ वुड दे ट्रेस देयर एसेट्स कि हमने किस एम्प्लॉय को कौन सा वाला लैपटॉप दिया था, राइट? तो वो सारी प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो अगर 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक प्रोजेक्ट में लगे हुए, तो उन 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कौन सा लैपटॉप दिया गया है वो भी पता रहता है, और उसका जो डेप्रिसिएशन होता है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट में यहां पर आ जाता है। कौन से हेड में आ जाता है? डायरेक्टली ट्रेसिबल एक्सपेंसेस में। ठीक है, प्रोजेक्ट चल ही रहा था दोस्तों कि अचानक से 2 महीने बाद क्लाइंट ने बोला कि प्रोजेक्ट के अंदर कुछ मेजर चेंजेस हैं। क्या है प्रोजेक्ट के अंदर कुछ मेजर चेंजेस है? क्योंकि हमारी अमेरिका की गवर्नमेंट हमारा टैक्स स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, और जैसे ही टैक्स स्ट्रक्चर चेंज होता है तो फिर सॉफ्टवेयर में उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। इंडिया में भी देना पड़ा था ना, जीएसटी के पहले सॉफ्टवेयर पैकेजेस अलग थे, जीएसटी के बाद सॉफ्टवेयर पैकेजेस अलग हो गए, राइट? तो अब उनकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने यहां से हमारे 3 टीम लीडर्स प्लस एक प्रोजेक्ट मैनेजर, 4 लोगों को हमने कहां भेजा? अमेरिका। 4 लोगों का फ्लाइट का टिकट हमारी कंपनी ने बुक करा जाने का, वहां रहने का खर्चा हमारी कंपनी पे करेगी, और उनके वापस रिटर्न बैक का खर्चा हमारी कंपनी बेयर करेगी। ये भी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? डायरेक्टली ट्रेसिएबल एक्सपेंसेस टू द प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली, यानी हर वो तमाम खर्चा जो सीधे आइडेंटिफाई हो जाए, बॉस ये खर्चा तो इसी प्रोजेक्ट के लिए लगा है, वो इस सेकंड हेडिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एग्जांपल्स लिखवा देता हूं आपको। से ट्रैवल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विथ प्रोजेक्ट, वैसे कंपनी की तरफ से जाने को मिल जाए अमेरिका, अमेरिका सही रहता है नहीं? दूसरा मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स यूज इन द प्रोजेक्ट। अच्छा, ये मैं सिर्फ सैंपल लिखवा रहा हूँ, है ना, सैंपल बेसिस पर एक्सपेंसेस लिखवा रहा हूँ, राइट? वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा या रियल लाइफ में, रियल लाइफ की सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से खर्चे डायरेक्टली ट्रेसिएबल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तीसरा हेडिंग आता है ऐसे खर्चों का जो माना कि सीधे सीधे सिर्फ शब्दों का प्रयोग देखिए, तीसरा हेडिंग आता है ऐसे खर्चे उसमें इंक्लूड किए जाते हैं जो माना सिर्फ हमारे लिए इनकर नहीं हुए, वो हुए तो जनरली इनकर हैं पर उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हमने भी उठाया है। जैसे सपोज करो कि इंफोसिस के अंदर अगर 3 लाख एम्प्लॉयज हैं और जिसमें से हमारी टीम में 200 एम्प्लॉयज हैं, तो एक ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होगा, एक पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं इन डिपार्टमेंट्स ने हमारे इन 200 एम्प्लॉयज की सैलरी भी तो प्रोसेस
की होगी, इनका भी तो पूरा रिकॉर्ड ये सब रखा होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस उनकी करी होगी, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का खर्चा इनके ऊपर चार्ज होना चाहिए। तो एक तीसरा हेड ऐसे खर्चों का आता है जो हम पर, जो हमारे प्रोजेक्ट पर तो डायरेक्टली नहीं लगे, जो इनकर कैसे हुए हैं कॉमनली, लेकिन उसका बेनिफिट कुछ ना कुछ हमने, हमारे प्रोजेक्ट ने भी उठाया है और दूसरे सभी प्रोजेक्ट्स ने उठाया है, राइट। ऐसे खर्चों को क्या मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल सकता हूं? और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम होता है ओवरहेड्स, ठीक है। तो तीसरा हेडिंग आता है ओवरहेड्स। सो इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली ट्रेसिएबल हाँ जी, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो एक तो मैंने एचआर डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल दे दिया है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, या फिर जिस बिल्डिंग में आपका वो प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या वो बस वो जो बिल्डिंग है उसमें आपका एक अकेले का ही प्रोजेक्ट चल रहा होगा, या उस बिल्डिंग में तो कई सारे डिपार्टमेंट होंगे? कई सारे डिपार्टमेंट होंगे तो उस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, या फिर अगर वो रेंटेड बिल्डिंग है तो उसका रेंट का एक फेयर शेयर आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। सपोज करें दोस्तों, वो मैं इंफोसिस में जिस बिल्डिंग में था ना, तो उसका शेप देखना ऐसा था, ये धरती, ये ऐसा शेप था, नाव के जैसा शिप था उस बिल्डिंग का, राइट। तो वो जो बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग के अंदर, उस बिल्डिंग है तो शिप के जैसी उन्होंने बिल्डिंग बना रखी थी इंफोसिस के अंदर, इतनी शानदार बिल्डिंग। उस बिल्डिंग के अंदर दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट में रफली 200 एम्प्लॉइज थे, और ऐसी उसके अंदर 6 फ्लोर थी, मतलब वो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, 6 फ्लोर का जहां जहां आप कल्पना कर पा रहे हो वैसी 6 फ्लोर की, पूरी बाहर से पूरा ग्लास व्लास लगा हुआ है, राइट, वैसी बिल्डिंग थी। अब उस बिल्डिंग के अंदर अगर 1500 एम्प्लॉइज हैं, कितने उसी एक बिल्डिंग के अंदर कितने काम करे, 1500, और इतनी छोटी कंपनी नहीं, इंफोसिस जैसा पूरा कैंपस फैला हुआ है एकर्स में, जहां पर वो सब बैडमिंटन कोर्ट और साथ तो वहां पर रेस्टोरेंट थे, अंदर एक 5 स्टार होटल भी था कि अगर क्लाइंट्स आते हैं फॉरेन से और उनको रुकना रहता है तो उनको सिटी में कहीं रुकने की जरूरत नहीं, इंफोसिस के कैंपस के अंदर ही 5 स्टार होटल वहां पर बना हुआ है, और सारा प्लेग्राउंड और जितने सारे सब तमाम सारी फैसिलिटी अंदर। मतलब अगर आपको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना है, या फिर अगर आपको एक बिल्डिंग से जैसे लंच टाइम हो गया, आपको अपनी बिल्डिंग से उतरकर वो कैफेटेरिया तक जाना है, तो साइकिल से जाते थे वहां पे। हाँ, इन्फोसिस में ऐसी 2-3 हज़ार साइकिल्स रखी हुई हैं, बस आप तो अपनी बिल्डिंग से साइकिल उठाओ, कैफेटेरिया तक जाओ, वहां पे खड़ी कर दो साइकिल। अंदर व्हीकल अलाउड नहीं थे, अंदर आपकी बाइक्स कार ये सब अलाउड नहीं थे, वो पोल्यूशन का चक्कर था, तो बिल्कुल उसका वो एनवायरमेंट अच्छा रखने के लिए बाहर ही सारे व्हीकल्स खड़े होते थे। अंदर कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट मैनेजर हो, कितनी लाखों की उसकी सैलरी हो, उसको चलानी साइकिल पड़ती थी, या तो आप पैदल जाओ या फिर साइकिल। पहले दिन हमको ही बहुत अजीब लगा, साइकिल पे कैसे जाएंगे यार, पर फिर उसके बाद देखा है तो मैनेजर ही अपना साइकिल पे घूम रहा तो दोस्तों ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना, जिसके अंदर 1500 एम्प्लॉइज है, इसका कुछ तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होगी, इसका कुछ तो डेप्रिसिएशन होगा। सपोज करें, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा आज, डेप्रिसिएशन है मान लीजिए 10 करोड़ रुपीस। इस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना है, 10 करोड़ रुपीस एक साल का। तो हम इस बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन के नाम पर हमारे प्रोजेक्ट में मालूम है कितना चार्ज कर लेंगे, 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 200, is that clear? Because 200 employees हमारे project वाले out of 1500, तो depreciation जो building का बनेगा उसका 200 by 1500 portion हम अपने आप पे bear कर लेंगे। उसी तरीके से इस building की maintenance की cost आती, heavy maintenance cost आती, तो वो maintenance cost का भी एक fair share हम पर charge किया जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं आखिर कौन कौन से होते हैं ये overheads की expenses। से ऑफिस बिल्डिंग रेंट, इलेक्ट्रिसिटी है ना, क्योंकि इतने सारे लैपटॉप्स चलेंगे और ये सब, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आएगा यार।
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सिक्योरिटी गार्ड्स, जनरल एडमिन एटसेट्रा। सिक्योरिटी गार्ड और ये सब लोग रहते हैं यार ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में, बाहर तीन चार लोग खड़े रहते हैं, किसी को अंदर एंट्री नहीं होती, आपका कार्ड चेक करवाओ, आपके पास एम्प्लॉय आईडी कार्ड है या विजिटर पास है, ऐसा सब चेकिंग होती है, राइट। ये सारा खर्चा है ना। अब इस सारे खर्चे को हम जनरली कैसे हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर चार्ज करेंगे? जैसे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं और सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है, तो वो चार्ज कैसे करेंगे? ये जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा अब हमारे इस डिपार्टमेंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिसिटी लगा, वो आखिर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसका वो सिंपल सा थंब रूल है, वो जनरल रूल है, है ना। जनरल रूल इतना सिंपल सा है कि मैं आपको क्या बताऊं। वो बोलते हैं ठीक है, इन्फोसिस की जितनी सारी बिल्डिंग्स हैं उस कैंपस में, उस बिल्डिंग्स का रेंट का अमाउंट निकाल लो। मान लो रेंट का अमाउंट आ गया 100 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर चलो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का अमाउंट निकाल लो, मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया वहां पर 5 करोड़ रुपए का, ठीक है। प्लस उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए, प्लस सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, मान लीजिए ये 15 करोड़ रुपए, और जनरल एडमिन का खर्चा मान लेते हैं 60 करोड़, है ना। आप मुझे बताइए टोटल एक्सपेंसेस कितना आया, 190 करोड़ आ गया टोटल खर्चा, है ना। इस 190 करोड़ के खर्चे पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है या अनेक प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अनेक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राइट। तो इसमें हम सिंपल पता है क्या करते हैं, इस 190 करोड़ को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है ना। सपोज कीजिए कि इन्फोसिस के उस कैंपस में है 10,000 एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज हैं, 10,000 एम्प्लॉयज, तो 190 करोड़ डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 10,000, है ना। यानी कितना आ जाता है दोस्तों, 1,90,000, यानी पर एम्प्लॉय। जो सैलरी वैलरी वो तो सब चार्ज करेंगे ही करेंगे प्रोजेक्ट पे, पर एम्प्लॉय हम क्या बोलेंगे कि अपने क्लाइंट से हम पर एम्प्लॉय 1,90,000 रुपए और रिकवर करेंगे, क्योंकि दूसरे खर्चे भी तो रिकवर तो एम्प्लॉय जो काम करेगा उसी से करने हैं ना। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 200 एम्प्लॉयज who are involved in our project, is that clear? ठीक है, ओके। एक तरीका तो ये हुआ है ना कि 190 करोड़ का जो खर्चा है उसको डिवाइड कर दो कुल कितने एम्प्लॉयज हैं, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन आवर प्रोजेक्ट, ताकि एक प्रोपोर्शनेट शेयर आ जाए कि हमारे प्रोजेक्ट में कितना प्रोपोर्शन ऑफ द एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, तो उतना अमाउंट का रेशियो हमारा प्रोजेक्ट बेयर करेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो तरीका है ये कुछ हद तक गलत है। आखिर क्यों गलत है वो समझें दोस्तों। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज माना हमारे यहाँ पे 10,000 है, लेकिन क्या हर एम्प्लॉय एक बराबर है या सब एम्प्लॉयज की सैलरी के स्केल में डिफरेंस है? सभी एम्प्लॉयज के सैलरी के स्केल में डिफरेंस है। मान लीजिए जो अपना 200 एम्प्लॉय का जो प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हमारी कंपनी के टॉप नॉच एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं, यानी जो कई सालों से इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, जो टॉप ब्रेन्स है, जो IITs से निकले हुए हैं, वो लोग यहाँ पर हैं, राइट। तो इनकी जो सैलरी होगी वो तो ज्यादा ही होगी एज कम्पेयर टू जो 10,000 एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी होगी ना, उससे ज्यादा ही होगी इन 200 एम्प्लॉयज की सैलरी। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो बिलिंग रेट होगी वो भी जो एवरेज बिलिंग रेट रहती है उससे काफी ज्यादा होगी, राइट। तो क्या दोस्तों ये आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी अन्याय हो रहा है कि हर किसी पर बराबर खर्चा चार्ज किया जा रहा है, फिर वो चाहे लो बिलिंग रेट वाला एम्प्लॉय हो चाहे हाई बिलिंग रेट वाला एम्प्लॉय हो? नहीं समझे यार, सपोज करो कि ये जो अपना ये हॉल है ना, मान लो कि इस हॉल को चलाने का खर्चा 19 लाख रुपए, इस हॉल को चलाने का खर्चा कितना है, 19 लाख रुपए, 19 लाख रुपीज आ रहा है, और अपने यहां पर 3 एम्प्लॉयज है, कितने एम्प्लॉयज है, 3 एम्प्लॉयज, जिसमें एक तो है सीनियर एम्प्लॉय और 2 हैं जूनियर एम्प्लॉयज, ठीक है, ओके। अब ये जो सीनियर एम्प्लॉय है ना, इसको अपन क्रिटिकल प्रोजेक्ट में रखते हैं जिसपे अपने डॉलर की बिलिंग रेट काफी ज्यादा आती है, और इन 2 जूनियर एम्प्लॉयज को कम कम बिलिंग रेट वाले प्रोजेक्ट में रखते हैं। अच्छा, सैलरी इस बंदे की ज्यादा होगी और इन दोनों बंदों की कम होगी, तो क्या 19 लाख को डिवाइड बाय 3 करना, और ये एम्प्लॉय जिस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, तो एक ही एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है,
तो क्या 19 लाख को डिवाइड बाय 3 करके मल्टीप्लाई बाय 1 करना और बोलना कि इस प्रोजेक्ट से एक काम करो 6,33,333 रुपए रिकवर कर लो, ये सही होगा? ये प्रोजेक्ट वाला तो बहुत खुश हो जाएगा, ये जो क्लाइंट है ना वो तो खुश हो जाएगा, पर जो बाकी क्लाइंट है हमारे जिन पे ये जो जूनियर बंदे लगे हैं वो बोलेंगे यार वो सर्विसेज तो उतने लेवल की दे नहीं रहे, पर खर्चा बराबर बराबर हम पर चार्ज किया जा रहा है। वैसे भी पेइंग कैपेसिटी किस क्लाइंट की ज्यादा होगी, जहां पर ज्यादा महंगे एम्प्लॉयज लगे हुए होंगे? हाँ, तो मैं बताऊं कि ये खर्चा कैसे रिकवर करेंगे या आप बता रहे हैं? वेरी गुड यार, कितना सटीक जवाब दिया, बेस्ड ऑन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज। तो जो तरीका होता है इन सॉफ्टवेयर कंपनीज में वो ये होता है कि आप ओवरहेड्स निकाल लो, टोटल ओवरहेड्स कितने हैं डिवाइडेड बाय सैलरी ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयज, टोटल सैलरी ऑफ ऑल द डायरेक्ट एम्प्लॉयज, वो जो 10,000 एम्प्लॉयज है ना, उन 10 के 10,000 एम्प्लॉयज जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट में, उन 10 के 10,000 एम्प्लॉयज की सबकी सैलरी निकाल लो कितनी है, और आप उस ओवरहेड्स को डिवाइड कर दो किससे, टोटल सैलरी ऑफ द डायरेक्ट एम्प्लॉय से। तो आपको ये पता चल जाएगा कि पर 1 रुपी ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉय सैलरी हाउ मच ओवरहेड्स शुड बी रिकवर फ्रॉम द क्लाइंट। कमिंग बैक टू अवर एग्जाम्पल, अपना ओवरहेड्स कितना आ रहा था 190 करोड़, और वो जो 10,000 एम्प्लॉयज है उसमें से कुछ लो पेड एम्प्लॉयज होंगे, कुछ हाई पेड एम्प्लॉयज होंगे, सब के सब एम्प्लॉयज की अपन सैलरी निकाल लो, राइट। मान लीजिए कि सारे एम्प्लॉयज की सैलरी मिलाकर आती है 1900 करोड़ रुपए, ठीक है। तो अब हम इसको जरा डिवाइड करके बताओ कितना आता है, 0.10 आ रहा है ना, या फिर मैं इसको 10% बोल सकता हूं? बस बहुत सिंपल सा काम है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितनी मेरे डायरेक्ट एम्प्लॉयज की सैलरी है उसका 10% मेरे ओवरहेड्स है, उसका 10% क्या है मेरे ओवरहेड्स है, बस हो गया ना काम। यहां पर मैं देखूंगा कि मेरे इस प्रोजेक्ट में सैलरी ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयज कितनी, मान ले मेरे इस प्रोजेक्ट में सैलरी ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयज कितनी है 15 करोड़, तो इसका कितना परसेंट, 10%, यानी 1.5 करोड़ इन द नेम ऑफ ओवरहेड्स चार्ज कर दिए जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? मन में कोई शक कोई सवाल? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा सही था, ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही, क्योंकि जहां ज्यादा महंगे एम्प्लॉयज तो ऑटोमेटिकली वहां पर उनका सैलरी ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयज ज्यादा ही आएगा, तो उसका 10% भी फिर एक ज्यादा अमाउंट निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखवा देता हूं इस बात को दोस्तों, ये जो अभी रेट हमने कैलकुलेट करी ना वो कितना परसेंट निकली थी रेट, 10%, राइट, 10% रेट निकली थी, उसे हम कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। उसे हम क्या कहते हैं, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने की रेट, ठीक है। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूजुअली ऑन द बेसिस ऑफ, और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूजुअली ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयज। To distribute such indirect costs. Over various projects. तो हम various projects पर इस cost को इस तरीके से distribute करते हैं। तो मैं आपको इसका formula लिखवा देता हूं कि आखिर क्या होता है formula overhead absorption rate का, बताओ मैं आपको already चुका हूं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू, क्या आप में से कोई भी बता सकता है, क्या डिवाइडेड बाय क्या, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल सैलरी ऑफ ऑल डायरेक्ट एम्प्लॉयज, ये निकल जाएगी ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट।
टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल सैलरी ऑफ ऑल डायरेक्ट एम्प्लॉयज मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेते हैं, ताकि वो जो आंसर आ जाए वो किस में आ जाए, आंसर किस में आ जाए, परसेंटेज में आ जाए। इज दैट क्लियर? सपोज करो ये रेट निकल गई 10%, बस अब हम देख लेंगे हमारे प्रोजेक्ट में सैलरी ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयज कितनी और उसका 10% किस नाम से चार्ज कर देंगे, ओवरहेड्स के नाम से अपन चार्ज कर देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो बस छोड़ रहे 5 मिनट। चलिए दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से आईटी और आईटीईएस प्रोजेक्ट्स में काम होता है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, जो जहां शुरू हो रहा है बस वहीं पर ही खत्म हो रहा है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल का, इसको अपन 2 मिनट करेंगे। फॉलोइंग आर द डेटा पर्टेनिंग टू इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर 2021-22। मतलब ये हमें किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या? जी हाँ, सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे हुए हैं अपने पास? 5, और उनकी सैलरी है 15 लाख। प्रोजेक्ट लीडर्स हैं हमारे पास 2, और प्रोजेक्ट मैनेजर हैं हमारे पास। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का भी खर्चा है और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी हैं। द कंपनी एग्जीक्यूट्स अ प्रोजेक्ट एक्स वाई जी, द डिटेल्स ऑफ द सेम आर एस फॉलोस। तो यहाँ पर एक अपनी कंपनी ने कोई सा तो भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करा, उसकी डिटेल हमें दे रखी। प्रोजेक्ट कितने समय चला दोस्तों? 6 महीने चला प्रोजेक्ट। 1 प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर इन्वॉल्व फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। वेयर इज प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड्स 2 मंथ्स एफर्ट्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और एक गजब बात लिख दी इन्होंने, देखना क्या लिखा है। अपने इस प्रोजेक्ट में टीम लीडर तो थे ही नहीं, सॉरी प्रोजेक्ट लीडर तो थे नहीं थे। अरे हां, 1 मिनट, यहां पर 1 है प्रोजेक्ट लीडर और 3 है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना। ये तो पूरे पूरे समय इन्वॉल्व रहे, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर था ना उसने कितने मंथ्स के बराबर का एफर्ट लगाया? 2 मंथ्स, यानी सरल शब्दों में उसके 2 मंथ्स के बराबर की सैलरी इस प्रोजेक्ट में चार्ज कर देंगे। बचे हुए 4 मंथ्स का एफर्ट उसने किन्हीं दूसरे प्रोजेक्ट में लगाया होगा, वहां चार्ज करेंगे। ओके, ट्रेवल एक्सपेंसिस इनकर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, क्या बोला है? फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब ये वहां आ जाएगा उसमें डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। ठीक है, वो सेकंड वाला हेडिंग था ना, ये सेकंड हेडिंग था ना, डायरेक्ट ट्रेसिबल एक्सपेंसेस टू द प्रोजेक्ट, इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 लैपटॉप्स वर परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50,000 ईच फॉर यूज इन द प्रोजेक्ट एंड द लाइफ ऑफ द सेम इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मेनी ईयर्स? 2 ईयर्स, राइट। पर दोस्तों अपना प्रोजेक्ट तो सिर्फ कितने समय चलकर बंद हो गया? 6 मंथ्स। क्या हम लैपटॉप के नाम पर पूरे 50,000 इसी बेचारे प्रोजेक्ट में चार्ज कर देंगे? नहीं, उतने समय का जो डेप्रिसिएशन बनेगा ना बस वो चार्ज करेंगे। ठीक है, प्रिपेयर द प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट कंसीडरिंग ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप मुझे बताइए कैसे करेंगे यार क्वेश्चन। अब जो आपके अटेंड में यही क्वेश्चन छप गया 5 नंबर का, अब प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट हेडिंग डाल देंगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट पर्टिकुलर्स कंप्यूटेशन अमाउंट। सबसे पहला हेडिंग डाल देंगे सैलरी टू डायरेक्ट एम्प्लॉयज, और सैलरी टू डायरेक्ट एम्प्लॉयज में हम 3 तरह के एम्प्लॉयज लिख देंगे। सबसे पहले लिख देंगे सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, है ना। सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जरा बताइए क्या मल्टीप्लाई बाय क्या मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 3 सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई बाय, ओ और ये सैलरी तो पर मंथ दे ही नहीं रखी है, निकल जाएगी ना यार। 15 लाख रुपीस की सैलरी है और कितने बंदे लगे हुए हैं? 5 बंदे लगे हुए ना, यानी हर किसी का पैकेज कितना है? 3 लाख का पैकेज है ना। तो अपने प्रोजेक्ट में कितने बंदे लगे हुए थे? 3 बंदे, तो 3% मल्टीप्लाई बाय 3 लाख इंटू 6 बाय 12, है ना। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो 3 लाख है ना इसको फर्दर डिवाइड कर दो 12 से, कितना आता है? 25,000 per month। तो या तो आप 3 लाख इंटू 6 बाय 12 कर लो, या फिर उसकी वजह ऐसा कर सकते हो कि 25,000 per month मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ्स। इन आइदर केस जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? हाँ,
4.5 लाख 4,50,000 रुपीज हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पे करें 6 मंथ्स के दौरान इस प्रोजेक्ट पर, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को. इज दैट क्लियर? ओके. अब इसके बाद कितने दोस्तों प्रोजेक्ट लीडर लगे थे हमें? नहीं, प्रोजेक्ट लीडर हमें कितने लगे थे? एक लगे थे, राइट दोस्तों. वो वैसे 9 लाख रुपीज एक प्रोजेक्ट लीडर की सैलरी है, दो की है, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 4,50,000, और 4,50,000 को फिर से डिवाइड कर दो 12 से, कितना आता है? 37,500. यानी एक बंदे की सैलरी 37,500 रुपए पर मंथ मल्टीप्लाई बाय कितने प्रोजेक्ट लीडर लगे? एक प्रोजेक्ट लीडर लगा 1, और मल्टीप्लाई बाय कितना मंथ्स? 6 मंथ्स. बताते चले 2,25,000. ठीक है, चलिए. प्रोजेक्ट मैनेजर लगा हमें, एक प्रोजेक्ट मैनेजर लगा. जी हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी कितनी है? 6 लाख साल भर की डिवाइडेड बाय 12, यानी एक महीने की सैलरी कितनी? 50,000 पर मंथ, और मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स? 2 मंथ्स, क्योंकि माना कि वो रहा पूरे 6 महीने, लेकिन उसने जो एफर्ट्स लगाए देवर इक्विवेलेंट टू 2 मंथ्स. ठीक है, कितना आता है ये? 1 लाख. ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही कॉस्ट कौन से हेडिंग में चल जाएगी? सैलरी टू डायरेक्ट एम्प्लॉयज. ठीक है, इसके अलावा तो और कोई डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है. चलिए, तो सैलरी टू डायरेक्ट एम्प्लॉय हम कैलकुलेट कर लेंगे. इसका टोटल लगा दे क्या, कितना आता है? 7,75,000. ठीक है, 7,75,000 आ जाता है यहाँ पर सैलरी टू डायरेक्ट एम्प्लॉयज. चलिए, अगला हेडिंग क्या बना लेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी वो क्या तो लिखा था ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेसिएबल टू द प्रोजेक्ट. तो ऐसे कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि प्रोजेक्ट को ट्रेस किए जा सकते हैं? एक तो 1,87,500 जो कि सीधे ट्रेवल एक्सपेंसेस हुए प्रोजेक्ट के लिए, एक तो ये जाएगा 1,87,500. दूसरा क्या? लैपटॉप्स. तो लैपटॉप कितना? 50,000 का है ना एक लैपटॉप, तो हम क्या कर लेंगे? 50,000. ओ, सेल्वेज वैल्यू तो दी नहीं है, नहीं दिए तो जीरो मानते हैं, नहीं दिए तो जीरो. मन से तो हम मान ही नहीं सकते ना एग्जाम में, लेट द सेल्वेज वैल्यू भी, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं. तो सिंपल 50,000 है, उसको डिवाइड किससे कर लेंगे? 2 ईयर्स से. कितना आ रहा है? 25,000 पर एनम. और हमने तो हमारे इस प्रोजेक्ट में कितने महीने यूज करा? 6 मंथ्स. तो 25,000 पर एनम है डेप्रिसिएशन इनटू 6 बाय 12. पर ये एक लैपटॉप की कहानी है, मल्टीप्लाई बाय 2 लैपटॉप्स कितना आता है आंसर? 25,000. ठीक है, यानी कि दोस्तों डायरेक्टली ट्रेसिबल एक्सपेंसेस में 2 एक्सपेंसेस आ जाएंगे. कौन से 2 एक्सपेंसेस आ जाएंगे ये दोनों? एक तो ट्रेवल वाला और दूसरा लैपटॉप का डेप्रिसिएशन. तो इन दोनों का टोटल लगा दो ना, इसका और इसका कितना आता है? 2,12,500, राइट? तो एक तो ये टोटल आ गया था, दूसरा ये टोटल आ जाएगा. आप इमेजिन कर पा रहे हो ना कैसे बनेगा? अगला हेडिंग, और हेडिंग में ये दोनों कॉस्ट. चलिए, तीसरा हेडिंग बोले क्या आएगा? ओवरहेड्स. ठीक है, ओवरहेड्स में दोस्तों कौन कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? रिपेयर्स और एडमिन. ठीक है, अब ओवरहेड्स का उन्होंने हमें तरीका क्या दे रखा है? ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी. यानी हमें क्या करना पड़ेगा? ओवरहेड्स को डिवाइड किससे करना पड़ेगा? सैलरी से. दोस्तों ओवरहेड्स का आपने टोटल लगा लिया है, कितना है ओवरहेड्स का टोटल? 15 लाख, राइट? और इसे हमें डिवाइड करना है किससे? सैलरी से. नाउ द क्वेश्चन इज, सैलरी किसकी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, या प्रोजेक्ट लीडर की, या प्रोजेक्ट मैनेजर की? सबकी, सभी डायरेक्ट एम्प्लॉयज है, राइट? तो डिवाइडेड बाय इन सबका टोटल 30 लाख. तो हम 15 लाख को 30 लाख से डिवाइड कर देंगे इनटू 100. कितना परसेंट आता है? 50%. यानी कैन आई से कि जितनी मेरी सैलरी बनती है ना, उसका 50% मेरा दूसरा इनडायरेक्ट खर्चा बनता है. तो मैं आप सिंपल क्लाइंट से क्या बोलूंगा? देखो ना बॉस, मेरा कैलकुलेशन ही ऐसा है, मेरा इतना इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगता है 15 लाख, कब? जब मैं 30 लाख की सैलरी देता हूं तब. तो 50% ऑफ द डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसका पैसा मुझे दो. तो ये जो निकला है ना 7,75,000, ये वो सैलरी जो हमारे इस प्रोजेक्ट पर लगी है, इसका निकाल लेंगे ना कितना परसेंट? 50%. कितना होता है ये? 3,87,500. ठीक है, ये आ जाएगा किस नाम से? ओवरहेड्स के नाम से. इज दैट क्लियर? इन तीनों को हम टोटल कर देंगे, कितना आता है?
13,75,000, ये 13,75,000 क्या कहलाएगी? प्रोजेक्ट कॉस्ट कहलाएगी. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके. आप बोलो 2 मिनट प्रेजेंटेशन कर ले, और आप बोलो तो आप घर पे कर लो, घर पे कर लेंगे. मैं आपको इसका पीछे सोल्यूशन बता देता हूँ. सोल्यूशन उतना व्यवस्थित नहीं दे रखा है जितना देना चाहिए था, राइट? हाँ जी, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट आपके सामने. प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट में दोस्तों ये जो सबसे पहला है, ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया? डायरेक्ट एम्प्लॉइज की कॉस्ट. ठीक है, फिर ये वाला जो पोर्शन है ये किसका हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेसिबल टू द प्रोजेक्ट. और ये जो तीसरा वाला पोर्शन है ये किसका हो गया? ओवरहेड्स का. बस इन्होंने आईसीआई ने जो सॉल्यूशन दिया उसमें कोई क्लासिफिकेशन यानी सब एक साथ लिख दिया. ठीक है, आपने क्या करना है? क्लासिफिकेशन कर लेना है. तो आपके पास नोट्स है ना, आप नोट्स में क्लासिफिकेशन कर लो ना, वो ज्यादा अच्छा तरीका है प्रेजेंटेशन का. तो आप यहां पर 3 हेडिंग्स बना लेंगे, एक ए पॉइंट बना लेंगे, एक ये सी पॉइंट बना लेंगे, और एक ये बी पॉइंट बना लेंगे. ठीक है, चलिए ए पॉइंट में क्या लिखेंगे आप मुझे बताइए? सैलरी ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉइज. ठीक है, ए वाला हेडिंग आ जाएगा सैलरी ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉइज. मैंने जो नोट्स में पीछे सॉल्यूशन दे रखे हैं वो आईसीआई के एज इट इज डिक्टो कॉपीड है. ठीक है, फिर इसके बाद बी पॉइंट इसका बनाना चाहिए, है ना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेसिबल टू प्रोजेक्ट. ओके, और सी पॉइंट किसका आ जाएगा? ओवरहेड्स. ओवरहेड्स आर ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अच्छा, ये जो 50% आपने रेट निकाली उसका कहीं पर कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा ना, तो वर्किंग नोट में शो कर देंगे. देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल सैलरी 50%. इज दैट क्लियर? और इस तरीके से टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 13,75,000 हो जाएगा, ये आपसे बन जाएगा. ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमने आईटी और आईटीएस सेक्टर भी कंप्लीट किया. आज के लिए बस इतना ही, बस.